ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप अच्छे होगे और चलिए जी बहुत बढ़िया सो so, आज हम सेशन को स्टार्ट करेंगे ठीक है जी ओके तो आज बहुत सारे बच्चों का वैसे तो एग्जाम है ठीक है वो एग्जाम जो है आपका यूपीपीसीएस का है और आज मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ हमारे ही एग्ज़ाम में जितने हमने किए हुए क्वेश्चन हैं वही पेपर में आएंगे ठीक है बाकी हो फॉर द बेस्ट जिनका एग्ज़ाम है आज और जो अभी अगर देख रहे हैं वीडियो तो ऑल द बेस्ट सबको ठीक है अगर आपका अभी टाइम है दस बजे या ग्यारह बजे क्लास का, पेपर का टाइम है अगर आपका ठीक है चलिए जी बहुत बढ़िया हाँ जी गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग ठीक है देखिए जी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ आप काफ़ी बच्चे जो है सिर्फ इसी क्लास में आते हैं ठीक है मतलब हमारी संडे वाली क्लास में ही आते हैं नौ बजे फ लास्ट वीक तो मैं मतलब मैं बीमार था तो इसीलिए मैंने क्लास नहीं ली आज जो है सेकंड वीक में मैंने क्लास ली है तो ऐसे आपके आगे कंटिन्यू चलता रहेगा और देखो आप क्या करते हो कि संडे वाली क्लास में आते हो तो वो आपका एक्चुअली में ऐसे काफ़ी लोगों को ये सोचते हैं कि नहीं एक तीन चार घंटे की क्लास ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्चुअली क्या होता है कि मैं डेली में डेली क्लासेस के अंदर मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताता रहता हूँ तो उन क्लासेस को भी लिया करो डेली हमारी नौ बजे क्लास होती है और सुबह मैं करंट अफेयर भी डालता हूँ और काफ़ी लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मैं करंट अफेयर भी डालता हूँ और करंट अफेयर तो यार मतलब आपकी नींव है एग्ज़ाम की क्योंकि वहाँ से आपके जी के क्वेश्चन भी रिलेट होते हैं अगर आपको वो आ गया तो आपको जीएस भी तैयार कर लेंगे आप करंट अफेयर भी तैयार कर लेंगे सो so, मैं बस यही कहूंगा दोनों क्लासेस लेते रहा करो सुबह चार बजे करंट अफेयर में डाल देता हूँ सुबह नहीं देख सकते पूरा दिन आपके पास पड़ी होती है क्लास तब देख लो और उसके बाद जो है हमारी नौ बजे डेली क्लास होती है और बस इन्हीं चीजों से है ठीक है तो चलते हैं हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं ओके तो आज हमारा जी अक्टूबर का सेकेंड वीक के हम जो है एमसी क्यू डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल सो चलते हैं जी आगे हमारे बेस्ट यहाँ पे ये यह गायब हो गए हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बट इन सब के जो लिंक हैं हमारे वो सारे के सारे जो लिंक हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे ठीक है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ शेयर होता है आपको नोटिफिकेशन आए ना आए यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आप फॉलो कर लेना ठीक है आपका इंस्टाग्राम का भी हैंडल मेरा यही है कि इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी पर्सनली कनेक्ट रहता हूँ और वैसे कल भी मैंने बात करी थी काफ़ी बच्चों से आज भी मैं बहुत सारे बच्चों से बात करूँगा सो एनी एनी वन कैन टॉक विद मी ठीक है मतलब कोई भी मेरे से बात कर सकता है ठीक है आज खास करके आज जिस दिन मैं बोलता हूँ ना तो उस उसका मतलब ये होता है कि मैं उस दिन फ्री हूँ आप मेरे से बात कर सकते हैं ठीक है तो चलते हैं जी आगे मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं द वन इज़ द जीएस कोर्स ये हमारा थियोरी कोर्स है और दूसरा हमारा टेन थाउजेंड एम सी क्यू कोर्स है और एम सी क्यू कोर्स में हमने चैप्टर वाइज एम सी क्यू डिस्कस किए हुए हैं आप दोनों कोर्सेज परचेज कर सकते हैं स्टडी आई क्यू ऐप से तो अगर आपको नेक्स्ट लेवल प्रेपरेशन करनी है तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा खरीदना पड़ेगा ही ठीक है तो आपको स्टडी आई क्यू की ऐप आपको डाउनलोड कर रही है इस परचेज़ करने के लिए जैसे आप स्टडी आई क्यू की ऐप डाउनलोड करोगे चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो लिंक वगैरह नीचे भी मिल जाएंगे होम पेज पर पे आप जाएंगे तो यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स लिखा हुआ है तो इसको व्यू ऑल का बटन दबा देना ये वाला कोर्स आपको तीसरे चौथे नंबर पे दिखेगा और ये वाला आपको लास्ट नंबर पे दिख जाएगा ठीक है और इसके अंदर जीएस कोर्स के अंदर एक कोड लगा लेना वी 500 फाइव हंड्रेड तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा क्लियर चलिए जी तो स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन जी ठीक है अब पढ़ना है अब हमने किसी की बात में नहीं आना ठीक है और काफ़ी बच्चे यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने भी आएंगे मैं आपको बता दूँ अभी तो 700 बच्चे ही है अभी इस यहाँ पे 2000 बच्चे के आसपास होने वाला है ठीक है तो ध्यान रखना आपको किसी बातों में फंसना नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी आके कोई पर्सन बोले और आप उसकी बातों का जवाब देने लग जाओ कोई अच्छा भी बोलेगा कोई बुरा भी बोलेगा ठीक है तो आपको सिर्फ अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना है और पेपर में जो ये क्वेश्चन है इसको अटैम्प्ट करते रहना है ठीक है चलिए जी द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ़ आई एन सी वॉस आई एन सी के पहले प्रेजिडेंट कौन थे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन डाला है मैंने ताकि आपका पहले कॉन्फिडेंस बढ़े फिर मैं डाउन भी करूंगा डाउन इसलिए करूंगा कॉन्फिडेंस को डाउन करने का मतलब यहाँ पे है कि आपको ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ऐसे फील करवाना है कि आपको आता नहीं है सिर्फ ये कि हाँ आपको पेपर का एक नज़रिया पता लगता रहे कि और बहुत तरीके से जो है आपको तैयारी होती रहे ठीक है चलो देखते हैं आई का पहला सेशन आई बनी कब थी अठारह में एटीन एटी फाइव में और ह्यूम की रिकमेंडेशन से बनी थी फादर ऑफ आई भी इनको कह देते हैं लॉर्ड डफरिन द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइस रहे थे ठीक है अब बात यहां पे आती है कि उन्होंने पूछा है कि प्रेजिडेंट पूछा है पहला प्रेजिडेंट तो वो थे डब्ल्यू सी बैनर्जी आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा डब्ल्यू सी बैनर्जी इज द करेक्ट आंसर और इस मीटिंग में बहत्तर लोग आए थे और ये बॉम्बे के अंदर मीटिंग हुई थी पहले पुणे डिसाइड हुआ था लेकिन बाद में इन्होंने बॉम्बे शिफ्ट कर दिया था क्योंकि पुणे के अंदर जो है कॉलरा फैला हुआ था हैजा ठीक है ये आपको ध्यान रखना है बॉम्बे में बॉम्बे के अंदर कहाँ पे गोकुलदास तेजपाल कॉलेज गोकुलदास तेजपाल कॉलेज के अंदर जो है ये मीटिंग हुई थी क्लियर बहत्तर लोग आए थे अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ए मैंने आपको बता दिया एस एन बेनर्जी एस एन बेनर्जी की एक एसोसिएशन थी इंडियन एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन बाद में ये यही मर्ज हो गई कि इसमें आई के अंदर मर्ज हो गई दादा भाई नरोजी ने कलकत्ता सेशन लिया था अगला सेशन जो था अठारह में क्लियर और इनका ही एक सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कलकत्ता का ही 1906 वाला सेशन 1906 वाला जहां पे इन्होंने स्वराज वर्ड यूज़ किया था जहां पे इन्होंने स्वराज वर्ड यूज़ किया था समझ आ गया आप लोगों को तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा ठीक है बी ऑप्शन बनेगा तो देखिए जी ये है वोमेश चंद्र बनर्जी दैट इज डब्ल्यू सी बैनर्जी द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ आई फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आई चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है फटाफट आंसर टिक करने की कोशिश कीजिए इसको बंद करो थोड़ा सा लग रहा है मुझे अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है फटाफट आंसर दीजिए हा ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन द लिविंग लिविंग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल्स मतलब क्या हो गया कि मेल और फीमेल गेमिट गेमिट मेल का मतलब स्पम ठीक है और फीमेल फीमेल गेमिट का मतलब एग तो एग और स्पम जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं बताइए जी कौन सी स्टेज बनती है तो वो बनता है स्टेज बनती है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जयगोट स्टेज बनती है क्लियर आंसर इज वन ऑप्शन अच्छा एक तो ये हो गया एक आपको पूछा जाता है पेपर में टेस्ट्यू बेबी बेबी क्लियर वो क्या होता है कि एक आप फ्लास्क में क्या करते हैं मेल स्पम्प एंड फीमेल स्पम्प दोनों को मिलाते हैं जयगोर्ड वगैरह बनाते हैं तो फिर जाके किसी फीमेल बॉडी के अंदर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ठीक है फीमेल बॉडी के अंदर और फीमेल बॉडी के जब अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो कहां पे किया जाता है दैट इज इन द यूट्रस यूट्रस क्योंकि बच्चा यहां पे होता है यूट्रस यूट्रस का दूसरा नाम पेपर में बहुत बार पूछा जाता है वॉम इसको कहते हैं वोम के अंदर क्लियर और इस चीज़ को टेस्ट ट्यूब बेबी भी आप कहते हो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आई बी एफ भी आप इसको कहते हो क्लियर आंसर इसमें ए ऑप्शन बन जाएगा और पेपर में एक बहुत पूछा जाता है कि कई बार बहुत पेपर में पूछा जाता है कि आ, आ, उसमें प्लांट कैटेगरी के अंदर खास करके प्लांट कैटेगरी के अंदर क्या कि जो फ्रूट होते हैं फ्रूट फल वो क्या होते हैं वो होते हैं राइपन ओवरी राइपन ओवरी होते हैं वो क्या होते हैं वो राइपन ओवरी ये ध्यान रखना है आपको आंसर इसमें क्या बनेगा आपका one option is the correct answer. Answer is one. ठीक है? है तो देखिए जी ये होता का का पूरा का पूरा प्रोसेस. आपको इसमें जाना नहीं है बट बत हाँ आपको एक मैं बता देता हूं जो स्पर्म होता है ऊपर uh, वाला पार्ट जो होता है उसको आप क्या कहते हो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि एक्रोसोम क्या होता है द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड आपका एक्रोसोम दिस इज इंपॉर्टेंट जो आपका कॉन्टैक्ट किसके साथ किसके साथ करता है एग के साथ और फिर जाके वो जाइगोड बनता है ये आपको पता होना चाहिए बाकी प्रोसेस आपको जानना नहीं है क्योंकि मेडिकल टर्म्स में चला जाता है सिर्फ दो तीन चीजें आपको पता है कि पता होनी चाहिए कि यहां पे क्या है आपका एक्रोसोम दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम दिस इज वन दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम क्लियर हो गया आपको ये वाला पार्ट है एक्रोसोम बस इतना ही याद रखना है और फीमेल बॉडी के अंदर जाता है जाइगोड बन जाता है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर चलिए जी आंसर लगाओ इसका क्वेश्चन क्या कहता है विच इज द मोस्ट अबंडेंट अबंडियल मिनरल इन द अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इन्होंने क्या पूछा है सबसे ज्यादा खनिज पूछा है मिनरल पूछा है सबसे ज्यादा खनिज इसमें से कौन सा है फटाफट -फड़ आंसर लगाइए कि क्या आंसर बनेगा देखिए जी वैसे आपके आ, क्रस्ट के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा चीज क्या क्या मिलती है पहले ऑक्सीजन मिलता है देन सिलिकॉन देन एनमिलियम देन आपका आ, मतलब आयरन वगैरह देखने को आपको मिल जाता है ठीक है तो अगर मेटल पूछा तो एल्युमिनियम आ जाएगा दूसरी मेटल पूछा तो आयरन आ जाएगा एलिमेंट पूछा तो ऑक्सीजन आ जाएगा लेकिन यहाँ पे क्या पूछ लिया उसने मिनरल पूछ लिया खनिज पूछ लिया उसने तो खनिज में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है बताइए जी फटाफट तो ये मिलता है आपका फेल्स पार आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा सी ऑप्शन नॉट क्वार्ट्स फेल्स पार मिलता है सबसे ज्यादा मिनरल पूछा है तो फेल्सपार सबसे ज्यादा मिलता है हमें क्लियर एक चीज आपको और याद रखनी है यहां पे लिखा हुआ क्वार्ड क्वार्स किया किस फॉर्म में होता है क्वार्स होता है सिलिका का सिलिकन डाइऑक्साइड क्वार्स उसको कहा जाता है जैसे आपका जैसे आपका ग्लास होता है ग्लास ग्लास होता है आपका सिलिकन डाइऑक्साइड दैट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड सुपर कूल्ड लिक्विड इज कॉल्ड ग्लास और वो किसका बना होता है आपका सिलिकन डाइऑक्साइड का दिस इज इंपॉर्टेंट वन क्लियर आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा फेल्सपार फेल्सपार इज द करेक्ट आंसर सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट ठीक है मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट ये वाली कम्पोजिशन है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है आपको फेल्स पार मिल रहा है दूसरे नंबर पे भी आपको फेल्ट पार मिल रहा है लेकिन इसने आगे जो है इसको आगे तोड़ दिया कि हाँ पहले आ, प्लेग्यो कलेस फेल्ट पार और देन उसके बाद एल्कली फेल्स पार मिलता है बट इसमें आप सीधा याद करो कि फेल्ट पार में हमें मिलता है सबसे ज़्यादा क्लियर और दूसरे नंबर पर आपको क्वाड्स मिलता है दूसरे नंबर पर क्वाड्स क्लियर ये ध्यान रखना चलिए जी आगे देखिए जी आंसर लगाइए फटाफट इसका आंसर टिक कीजिए क्या कहता है इन इसको टिक करना है पहला दूसरा तीसरा चौथा किसके साथ ये लिंक करते हैं हम्म बताइए जी बहुत बढ़िया हम्म इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा देखिए जी क्या है अनुशीलान समिति अनुशीलान समिति जो है ब्रिंद्र घोष बृंदर कुमार जी ने स्टार्ट करी थी और आंसर इसमें क्या बनेगा दूसरा ऑप्शन क्लियर अभिना भारत ये सावरकर ब्रदर्स ने वी डी सावरकर जी डी फ्रांसिस्को यूएस में चलाई गई थी और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सोहन आ, सोहन आ, सोहन सिंह बाखना लेकिन स्टार्ट किसने करी थी लाला हरदयाल ने तो ये बनेगा थर्ड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ये इनके प्रेसिडेंट कौन थे सचेंद्र नाथ सान्याल एंड भगत सिंह ये इनको इसके ऐसे टिक करेंगे ठीक है तो ये बनेगा आपका दूसरा पहला तीसरा और चौथा तो देखो जी कहाँ पे ऑप्शन है ये दूसरा वन तीसरा चौथा ये है आपका ऑप्शन तो दिस इज द ऑप्शन डेट मीन्स वन ऑप्शन क्या बनेगा करेक्ट आंसर बन जाएगा वन ऑप्शन यस वन ऑप्शन इज द राइट वन वन ऑप्शन क्लियर चलिए जी अगला लगाइए जयगढ़ उड़ीसा के अंदर एक हिस्टोरिकल साइट है यहां पे हमें क्या देखने को आपको मिलता है जयगढ़ हिल्स कहां पे ये कहां पे है उड़ीसा के अंदर है तो बताइए यहां पे हमें क्या मिलता है सबसे ज्यादा क्या चीज मिलती है यहां पे हमें मिलता है द रॉक एडिक्ट अशोक अशोक के रॉक एडिक्ट जो पत्थरों वगैरह के ऊपर वो बनाता था ना तो जाए घोड़ा वहां पे मिलता है उड़ीसा के अंदर दिस इज इंपॉर्टेंट वन तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन बनेगा ये काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने सुनी नहीं होंगी तो जिन्होंने नहीं सुनी हुई ना वो प्लीज राइट डाउन करते रहें अपना कॉपी पे लिखते रहें कि हाँ क्योंकि काफी चीज़ें आज के लेक्चर में आपने सुनी नहीं होंगी और काफी चीजें आपने सुनी होंगी जहाँ तक आपने डीप में नहीं पढ़ा होगा ठीक है तो इन चीजों को नोट डाउन करते रहना आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा नेक्स्ट देखिए जी हाँ, बिल्कुल सो so, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फैमिली मैन शिवा इन एवरी डे शिवा इन एवरी डे लाइफ ये बुक किसकी लिखी गई है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है ये लिखी गई है नीलिमा चित गोपेकर आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा नीलिमा चित नीलमा चित गोपेकर आंसर इस थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन ये या आपको याद करना है ये तो याद ही करना है सो दिस इज द बुक ठीक है दिस इज द बुक नीलिमा चित, चित बस इतना सा लिखना है आपको याद करना है ठीक है चलिए जी अगला क्वेश्चन लगाइए अगला क्वेश्चन लगाओ क्या कहता है वाइल मगध वॉज ए पावरफुल महाजनपद वजी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली वॉज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज क्या मतलब वजी के अंदर जो है ये वैशाली बिहार के अंदर है तो ये किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर था ठीक है बताइए जी ये किस फॉर्म के अंदर था ये कौन सी फॉर्म के अंदर था फटाफट आपको बताना है ये मगर जो था मगर जो आपका अजाज शत्रु गिरिवराज अजाज सॉरी जो बिंबिसार ने मतलब पूरा का पूरा इसको हैंडल करके रखा हुआ था और हरण्य का डायनेस्टी बनाई गई थी ठीक है और मगध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मध मगध वॉज मगध वॉजा जो है आपका द मेन पॉइंट जहाँ पे आपका सारी महाजनपद जो है यहाँ पे आ, मतलब रहती थी प्रॉपर तरीके से और इसको रेगुलेट करती थी ठीक है और यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल रूलर बने हैं अजात शत्रु जिन्होंने अपनी कैपिटल गिरिवराज और राजगीर बनाई लेकिन बाद में जो है ये साथ के साथ जो पावरफुल महाजनपद थी लेकिन वजी दो थी बिहार के अंदर ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थी तो उस गवर्नमेंट का नाम क्या होता था उसको हम क्या कहते थे गन और संघ गन या संघ उसको कहा जाता था तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बन जाएगा अब इज़ द मीनिंग ऑफ गन और संघ का मतलब क्या होता था इसमें क्या होता है कि पूरी एक असेंबली होती है जिसमें इसमें क्या करेंगे इस गण और संघ का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट रूलर जो हैं यहाँ पे आएंगे और ये मीटिंग करते हैं और ये पूरा का पूरा साम्राज्य जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स इसको रूल करते हैं मतलब ऐसा नहीं कि एक किंग है बहुत सारे किंग हैं बहुत सारे डूलर, डूलर रूलर रूलर्स हैं अब क्या करते हैं कि ये जब भी कोई अटैक होता है कभी कोई आ, किसी आ, दूसरी जो दूसरा कोई राजा है इनके ऊपर अटैक करता है तो ये सारे एक साथ मिलते हैं और ये सारे रूलर्स एक कॉमन स्ट्रेटी बना के काम करते हैं लेकिन ये रूलर जो है ऐसा नहीं है कि मोनार्की है ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही राजा है यहां पे बहुत सारे रूलर्स हैं जिसमें से सारे के सारे जो मिलके काम करेंगे आपस में मिलके, ठीक है तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका घन और संघ इज द करेक्ट आंसर यस आंसर इज बी ऑप्शन चलिए जी अगला बताइए अगला बताइए फटाफट फड़ क्या कहता है अगला क्वेश्चन फटाफट बताओ क्या कहता है आई एन के ऊपर है इनमें से होम रूल मूवमेंट जो तिलक और बेसेंट ने चलाई थी ठीक है तिलक और बेसेंट ने आई एनी बेसेंट ने चलाई थी इसका क्या रिजल्ट नहीं था देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए होम रूल मूवमेंट जो चलाई गई थी वो तिलक और बेसेंट एनी बेसेंट द्वारा चलाई गई थी बाल गंगाधर तिलक ने जो चलाई थी वो महाराष्ट्र के अंदर चलाई थी और हेडक्वाटर क्या बनाए थे पुणे क्लियर और बेसेंट ने तो सारी संभाली थी लेकिन इसने हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाए थे मद्रास के अंदर मद्रास अधियार के अंदर क्लियर ये आपको ध्यान रखना है तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिजल्ट नहीं था रिजल्ट नहीं था और होम रूल मूवमेंट का मतलब आपको पता है क्या था कि हाँ हमने घर से शासन करना है हमने सर, सब कुछ संभाल के रखना है ठीक है तो पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है द आई एन सी एंड द मुस्लिम लीग बोथ बोथ थॉट ऑफ स्टार्टिंग ए पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट मतलब क्या हो गया एक पासवी प्रतिरोध आंदोलन शुरू करने की यहाँ पे बात करी गई थी मतलब पैसिव का मतलब क्या कि एक्टिवली नहीं करेंगे हम पार्टिसिपेट मतलब ठीक है मतलब करेंगे लेकिन इतना ज़्यादा जोर शोर से नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे ये आपका पॉइंट गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया था पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो एक ही बंदे ने स्टार्ट करी थी जो आपका अनुश्लान समिति के वो थे डेड इज़ अरबिंदो घोष उन्होंने स्टार्ट करी थी बट इनका कोई लेना देना नहीं था ये तो जो आपके ये बाल गंगाधर तिलक हैं ये तो सीधा बोलते थे मुझे दे दो स्वराज स्वराज इज माई बर्थ राइट मतलब स्वराज इनको चाहिए था और उसके बाद तो एनी बसेंट जो है 1917 में ही क्या बन गई थी आपकी आ, आई एन के प्रेसिडेंट और आई ने कभी भी जब मॉडर्ट्स और एक्सट्रीमिस्ट वाली बातें होने लगी थी ना तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने नहीं किया था ठीक है क्योंकि एनी बसेंट सत्रह में 1917 में कैलकटा के अंदर जो है आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी वो किसकी रिकमेंडेशन से बनी थी बाल गंगाधर तिलक क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के साथ जो है उन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाई थी ताकि जो है आगे अपना जो मूवमेंट है इस चीज को आगे बढ़ाया जा सके ठीक है तो मतलब पैसिव रेजिस्टेंस वाली तो बात है ही नहीं थी ये तो एक्टिव लोग थे एक्टिव पार्टिसिपेट करते थे पैसिव नहीं थे ठीक है तो पहला ही आंसर आपका गलत हो गया दूसरा देखते हैं द होम रूल कैंपेन वर्चुअली आउस्टिड द मॉडर्ट्स फ्रॉम द पॉलिटिकल फील्ड बिल्कुल नरम पंथियों को इन्होंने हटा दिया था बिल्कुल ये कहते थे सीधा एक्टिव पार्टिसिपेट करो पैसिव पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है पैसिव तो कौन थे आपके मॉडेट्स जो आपके नरम पंथी वाले थे तो इन्होंने, इन्होंने इनको बिल्कुल साइड बाई किया ये आपका आंसर ये बिल्कुल ये आपका जो है आपका सही है मतलब ये सही है आईएनसी बिकेम द कांग्रेस ऑफ तिलक एंड बेसेंट ये भी आपका पॉइंट सही है मूवमेंट जनरेटेड ए कल्चरल अवेकनिंग इन इंडिया बिल्कुल कल्चरल अवेकनिंग का मतलब ये पता है यहाँ पे क्या है क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने जो है शिवाजी फेस्टिवल एंड गणपति फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रमोट किया था ताकि लोग इकट्ठे हों क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया था कि ये इन चीज़ों को क्यों विश्वास रखते थे क्योंकि जब आप किसी लोगों को इकट्ठा करोगे ना तो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा बुलाना पड़ेगा लेकिन जब त्यौहार आते हैं ना तो आपको पता है कि मुंबई महाराष्ट्र वगैरह जैसे आ, मतलब हमारे स्टेट्स के अंदर क्या होता है कि पूरे के पूरे सड़कें भरी होती हैं तो मतलब वहाँ पर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है तो वो आएंगे तो इसका मतलब कल्चरल अवेकनिंग तो होगी ही होगी हमारे देश ठीक है कल्चरल फेस्टिवल और आपको एक दूसरे के बारे में पता लगेगा तो ये तो बनेगा। ध्यान इन्होंने पैसिव नहीं किया था। ये पॉइंट आपका मतलब, बात, बात करते हैं ठीक है मतलब, उन्होंने पूरा पिक्चर से कंप्लीटली किसको हटा दिया था किसको हटा दिया था मॉडेट्स को हटा दिया था क्यों हटा दिया था मैं आपको बताता हूं अब एक चीज देखिए 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट साइन हो गया मॉडरेट एक्सट्रीमिट सारे इकट्ठे आ गए और उसके बाद जो है आपका मुस्लिम लीग वगैरह सारी चीजें स्टार्ट होगी 1916 में एक्सट्रीमिस्ट ने बोल दिया आपका ये जो आपके ये हैं मतलब होम रूल मूवमेंट में स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल है, है मतलब स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं लेके रहूंगा फिर एनी एनिमेसेंट आ गई ठीक है फिर उसके बाद आपका रोलट एक्ट हो गया रोलट एक्ट के बाद जो है आपका बाद में जो है आपका जलियावाला बाग हत्याकांड हो गया काफी मॉडरेट्स तो कह रहे थे कि नहीं ऐसा करना चाहिए काफी जो एक्सट्रीमिस्ट थे नहीं इनसे तो आजादी छीन नहीं हमें ठीक है तो मतलब क्या हो गया पूरी पिक्चर से ही सारे कौन हट गए थे आपके मॉडरेट्स क्योंकि फिर उसके बाद आपकी स्वराज पार्टी बन गई थी तो मतलब मॉडरेट सारी ही हट गए हैं यहां पे इसके बाद बाद इस मूवमेंट के बार. तो आंसर इसमें क्या बनेगा आंसर लगाइए हाँ जी मैं आपको एक चीज बताता हूँ काफी चीजें होती हैं आपको ऑप्शन देखने से लगता है लेकिन अगर आपने डीप एनालिसिस नहीं किया हुआ ना उसका तो मतलब क्या है कि आप मतलब कच्चे हैं अभी आपको पकना है आपको कॉन्सेप्ट समझना है आपको वेग टर्म्स में नहीं जाना ठीक है ध्यान रखना तो आंसर देखिए जी इसमें क्या कहता है क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है इसमें हाँ विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप्स एनुअली सेलिब्रेट द एनुअली सेलिब्रेट्स द इट्स कॉल्ड पेरुशन पर्व फॉर द सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड अपलिफ्ट बाय अडहरिंग टू द टेन यूनिवर्सल वर्चुअज इन द प्रैक्टिकल लाइफ मतलब दस सार्वभौमिक गुणों को पालन करना और आत्मशुद्धि करना और उसके लिए एक पेरूषण पर्व मनाया जाता है तो ये कौन से धर्म में मनाया जाता है ये आपका क्वेश्चन है कौन से धर्म में इसको सेलिब्रेट किया जाता है तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है भाई आपके जैन धर्म के अंदर तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा जैन धर्म के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा थर्ड ऑप्शन जैन धर्म के अंदर क्लियर हो गया हाँ ये जैन फेस्टिवल है जी बिल्कुल जैन फेस्टिवल है ये सी ऑप्शन बनेगा और जैन के आपको पता है दी द फर्स्ट वन इज द ऋषभ देव ऋषभ नाथ जो पहले तीर्थंकार थे और लास्ट तीर्थंकार कौन थे दैट वॉज महावीर जैन क्लियर जब उनको निर्माण प्राप्ति हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं कैवल्या क्योंकि सुप्रीम नॉलेज का मतलब क्या है जैन धर्म के अंदर कैवल्या है क्लियर और इनमें जैन धर्म के अंदर एक चीज़ और याद रख लो श्यवन वेल गोला श्यवन वेल गोला ठीक है यहां पे क्या है द जैन गुरु बाहुबली की मूर्त है बहुत बड़ी क्लियर ये श्रवण वेलगोला कहां पे है कर्नाटक में ये आपको ध्यान रखना है आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बन जाएगा थर्ड ऑप्शन ठीक है आंसर इज थर्ड ऑप्शन तो ये है जी आपका इट्स परूषण महोत्सव तो ये कहां पे है जी ये आपका जैन जैन धर्म का एक सिंबल है तो ऐसे क्लियर सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ डिसिप्लिन फॉरगिवनेस ये किस में बात होती है जैन धर्म में चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है जतिन दास जतिन दास जी, जी की डेथ हुई थी आपको सबको पता है जब इन्होंने जब इन्होंने जो है आपका मतलब भूख हड़ताल करी थी जेल में और सिर्फ अपने राइट्स के लिए और ये जो मूवमेंट है ये हड़ताल है वो किसने स्टार्ट करी थी वो स्टार्ट करी थी भगत सिंह ने लेकिन उसमें एक पर्सन जतिन दास की डेथ हो गई थी सिक्सटी फोर्थ डे के ऊपर चौंसठवें दिन के ऊपर हड़ताल में और ये कौन सा केस था दिस वॉज अ लाहौर कॉन्स्पिरीसी केस इसको आप क्या कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी आप केस कहते हैं तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्लियर और ये जो है आपका लाहौर कॉन्स्परेसी केस इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पे भूख हड़ताल करी थी और सिर्फ अपने राइट्स के लिए यस yes, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के ये मेंबर थे जिन्होंने ये भूख हड़ताल करी थी तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन बनेगा थर्ड ऑप्शन क्लियर सॉन्ड्रस को इन्होंने कब मारा था नाइनटीन में ठीक है और बॉम असेंबली बॉम केस जो हुआ था ये भी आपका 1928 में हुआ था और इसमें भगत सिंह थे भगत सिंह भगत सिंह से साथ कौन था बटुकेश्वर दत्त बटुकेश्वर दत्त थे ये आपको ध्यान रखना सो so, ये हंगर स्ट्राइक करी थी और ये हंगर स्ट्राइक ने पूरे देश को हिला दिया था क्योंकि इनकी डेथ हुई थी पहले पर्सन थे जिनकी इनकी डेथ हुई थी सिक्सटी फोर्थ डे के ऊपर क्लियर एंड ही वॉज अ इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड रेवोल्यूशनरी क्लियर एंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको अरेस्ट किया गया था नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में और जेल में डाला गया था और इन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करी और इक्वालिटी के लिए तेरह सितंबर को इनकी डेथ हो गई थी तेरह सितंबर को इनकी डेथ हो गई थी एंड दिस वॉज अ क्रूशियल मूवमेंट इन द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन द इंडियंस मतलब जो बिना सोचे समझे किसी भी इंडियंस को जेल में डाल देते थे तो दिस वॉज इन्होंने लिया था और इस स्टेप के बाद जो है सारी चीजें ठीक होनी स्टार्ट हो गई थी जेलों के अंदर क्लियर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जतिन दा चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहते हैं फटाफट फड़ बताइए इसका अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए द स्कीम एनकरेजेस पेरेंट्स टू बिल्ड ए फंड फॉर द फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसिस फॉर their फीमेल चाइल्ड backed बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द स्कीम इज क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत सरकार द्वारा समर्थित अपने महिला बच्चे के लिए भविष्य के लिए शिक्षा और शादी के खर्च के लिए एक फंड बनाने के लिए माता पिता को प्रोत्साहन करती है तो ये कौन सी स्कीम है ये एक्चुअली 2015 में स्कीम लॉन्च करी गई थी हरियाणा पानीपत के अंदर जो बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो आपकी कैंपेन थी उसके साथ ही ये लॉन्च करी गई थी उसका एक पार्ट था एंड डैट वॉज द सुकन्या समृद्धि स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन बनेगा बिल्कुल जी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्लियर और इसमें जो भी आप पैसा जमा करेंगे उसके ऊपर 8.4 परसेंट आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 8.4 परसेंट इंटरेस्ट रेट मिलेगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर आंसर इसमें क्या बनेगा ए ऑप्शन बनेगा सुकन्या समृद्धि योजना इज द करेक्ट आंसर सुकन्या समृद्धि योजना ठीक है सो दिस वॉज द दिस इज द सुकन्या समृद्धि योजना ठीक है द फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ एवरी गर्ल चाइल्ड क्लियर फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ एवरी गर्ल चाइल्ड क्लियर ध्यान रखना है आपको और इस स्कीम के अंदर जो है इस स्कीम के अंदर बहुत सारी चीज़ें बात करी गई थी कि दस साल तक जो है आप किसी बच्चे के अकाउंट को खुलवा सकते हो ठीक है और आपका इनिशियल मिनिमम मिनिमम जो आपका आपका डैट इज डिपॉजिट है वो कितना होगा थाउजेंड रुपीज़ आप एक हज़ार रुपये आपको मिनिमम डिपॉजिट करवाना पड़ेगा के करवाना पड़ेगा एंड देन इन्वेस्टमेंट जो होगी आपकी हर साल जो है आपकी मिनिमम एक हजार रुपए रहेगी ठीक है और मैक्सिमम डिपॉजिट आप कितना करवा सकते हैं साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर डेढ़ लाख रुपए तक आप इसमें जमा करवा सकते हैं आठ पॉइंट आठ पॉइंट फोर परसेंट आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है ठीक है और इक्कीस साल तक आफ्टर इक्कीस इक्कीस ईयर मतलब इक्कीस जो हो जाएंगे यानी कि आपके ट्वेंटी वन हो जाएंगे तो मेच्योरिटी हो जाएगी और अगर आप निकालना चाहते हैं आप फिफ्टी परसेंट पैसा निकाल सकते हैं जब लड़की जो है अट्ठारह साल की हो जाएगी क्लियर और ये जो अकाउंट जब क्लोज होगा कब होगा या तो लड़की की शादी हो जाए या जा फिर शादी के बाद यह अकाउंट उसका क्लोज हो जाएगा क्लियर सो फैक्टर जो आपको पता होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट थे ठीक है यह जो सारी चीजें इसमें आई थी क्लियर हो गया जी चलो जी अगला बताइए हु इज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन इंडियन रेवोल्यूशन की माता जननी किसे कहते हैं बताइए जी किसे कहते हैं भारतीय क्रांति की जननी तो ये कहते हैं मैडम बिकाजी कामा को जिसको मैडम बिकाजी कामा मैडम बिकाजी कामा जो हैं ये पर्सनल सेक्रेटरी थी दादा भाई नरोजी की ठीक है दादा भाई नरोजी की दादा भाई नरोजी को हम और क्या कहते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और इन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नारोजी ने एक पेपर भी लिखा था रस्त गुफ्तार तो ये तो चलो मैंने आपको दादा भाई नरोजी के पॉइंट बता दिए लेकिन मैडम बीकाजी कामा जो हैं मैडम बीकाजी काबा इनको बोलते हैं द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनर ठीक है और इन्होंने स्टटगढ़ जर्मनी के अंदर 1907 में 1907 में क्या किया था इन्होंने तिरंगा लहराया था वहाँ पे पहली बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर मैडम बीकाजी कामा आंसर इज फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नाम और वैसे तो तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है लेकिन दो याद करो आप पेपर -पे 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 में एनी पेशेंट हमने डिस्कस कर लिया होम रूल लीग आयरलैंड से आई थी 1917 में पहली इंडियन पहली महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की चेयरपर्सन बनी थी सरोजिनी नायडू इज इंपॉर्टेंट सरोजिनी नायडू जो है ये पहली इंडियन महिला फर्स्ट इंडियन फीमेल जो आईएनसी की जो है पर चेयरपर्सन बनी है और इनको जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया

रिप्रेजेंट किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा मैडम बिकाजी कामा यस आंसर इज फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन तो शी वॉज मैडम बिकाजी कामा ये हैं आपकी Bikaji, कामा, है आपकी मैडम बिकाजी कामा क्लियर चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है द चीफ द चीफ प्रमोटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड इज ये क्या करता है कि ये जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जब ब्रोकर्स होते हैं ठीक है तो उनको इफेक्टिवली न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करने का हेल्प करवाता है और कैपिटल मार्केट को बिल्डअप करने में हेल्प करता है कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट मतलब पूंजी मार्केट शेयर मार्केट को स्ट्रांग करने में और ये हेल्प करवाता है इन्वेस्टर को और ब्रोकर को क्लियर जिसने पैसे इन्वेस्ट भी करने हैं और एक बंदा वो है जो पैसा लगवा रहा है टेक्नोलॉजी से आपको रूबरू करवाता है और प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे पैसे को हम एक्सचेंज कर सकते हैं डिजिटल ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं तो ये किसके अंडर आता है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड एक ज के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है मुंबई के अंदर देखने को आपको मिलता है क्लियर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लियर हाँ ठीक है अच्छा एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पर आपको याद करनी है नाबार्ड एन एस सी और बी एस सी नाबार्ड तो आपको बताइए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाइनटीन एटी टू में बना था ठीक है और उसके बाद जो है आपका ये शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन से शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन से जिसको आप क्रैफी कार्ड कमेटी भी आप कह देते हो क्लियर ये आपको याद रखना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है हेडक्वाटर्स इन द मुंबई और इसका जो आपका डेट इज़ कितनी कंपनीज रिप्रेजेंट करती हैं इसमें पचास और निफ्टी इज द निफ्टी इज़ द आपका दैट इज़ द स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है 1875 में बना था ठीक है हेड क्वार्टर इज अगेन मुंबई है और इसका स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है सेंसेक्स सेंसेक्स क्लियर अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है अगर रेट बढ़ रहे हैं तो हम उस मार्केट को क्या कहते हैं बुलिश मार्केट बुल मार्केट जब शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं अगर शेयर प्राइस डाउन हो रहे हैं तो उस मार्केट को बोलते हैं हम बियरिश मार्केट क्लियर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बन जाएगा सी ऑप्शन बताइए जी अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है हाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनी रिप्रेजेंट करती हैं तो अगला क्वेश्चन है आईएनसी का सेशन है लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी यहाँ पे तो ये पूर्ण स्वराज सेशन जो है लाहौर सेशन रिवर आबी के किनारे के ऊपर किसने हेड किया था कौन थे प्रेसिडेंट इसके तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा पूर्ण स्वराज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्लियर और इन्होंने 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस पहला इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया था इसीलिए 26 जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारा संविधान बन चुका था 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे लेकिन हमने फिर लागू इसको 26 जनवरी को ही किया क्यों लागू किया 26 जनवरी को बीच में दो महीने का गैप इसीलिए रखा गया था क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेट थी जब हमने पहली बार अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी बी uh,

ज इंडियन स्ट्रगल जय हिंद का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये सारे सुभाष चंद्र बोस जी ने बोले थे वेरी इंपॉर्टेंट है आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन तो दिस इज अ पूर्ण स्वराज सेशन दिस इज अ लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज सेशन क्लियर ये आपको ध्यान रखना है दिस इज अ पूर्ण स्वराज सेशन इसमें इस तरीके से जो सेशन चलते होते थे और पापर तरीके से लोग खड़े होते थे और प्रॉपर प्लानिंग होती थी किस तरीके से आपको देश को आज़ाद करवाना है और ऐसे आज़ाद करवाया हमारे देश को लोगों ने ठीक है ये ध्यान रखना है तो ये है पूर्ण सेशन हाँ जी बताइए इसमें क्वेश्चन बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ हैजनाउंस इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ द अप टू थ्री लाख रुपीस फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द स्टेट मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करवाने के लिए इनमें तीन लाख रुपए तक का लोन मिलता है और ये एक स्कीम है जी आपका मिशन शक्ति स्कीम मिशन शक्ति स्कीम मिशन शक्ति स्कीम जो है ये फीमेल्स को आ, मतलब इम्पावमेंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए ठीक है तो ये आ, जो है कौन सी स्टेट में बात करा है किसने करी थी ये तो ये करी है उड़ीसा के अंदर तो आंसर इसमें क्या बनेगा फोर्थ ऑप्शन बनेगा उड़ीसा इज़ द राइट वन यस उड़ीसा इज द करेक्ट वन क्लियर और एक चीज़ आपको मैं बता दूं उड़ीसा के बारे में चिल्ली का लेक है यहाँ पे चिल्ली का लेक है बित्तर का नेशनल पार्क है और उड़ीसा के अंदर जो है आपके ऑलिव रिले टर्टल जो है आपके आते हैं और नेस्टिंग वगैरह करते हैं और साइबेरिया साइबेरिया रशिया से आते हैं ये कहाँ पे आते हैं ये चिलिका लेक के ऊपर ठीक है और डेट uh, सिट इतना याद रखो और उदयगिरी खांडगिरी हिल्स हैं और uh, उड़ीसा के अंदर कोनार्क सन टेम्पल भी है आपका बहुत सारी चीज़ें हैं उड़ीसा से तो भरी पड़ी हैं सारी चीज़ें है, ठीक है सिमलीपाल नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर ध्यान रखिए आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है <coughs> जगन्नाथ टेम्पल भी है जी बिल्कुल जगन्नाथ टेम्पल भी है पूरी के अंदर तो क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है द पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे ज्यादा किसकी ब्रांचेज है आपको पता है एस की दूसरे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा की क्लियर तो ये ब्रांचेज हैं ये इंडिया से बाहर ब्रांचेज जो हैं वो कौन से देश में सबसे ज़्यादा हैं ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा कहां पे हैं तो सबसे ज्यादा ब्रिटेन के अंदर है यूके के अंदर है यूके के अंदर सबसे ज्यादा ब्रांचेस इनकी हमारी क्लियर लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस कहां पर अंदर आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पेपर में गलती हो जाती है पेपर में ऐसे क्वेश्चन से ठीक है चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए रायथू बंधु योजना जो है ये किस सरकार द्वारा लगाई गई जिसके अंदर चार चार हजार रुपए मिनिमम इनकम सपोर्ट मिलेगी आपको हर सीजन किसानों को तो ये रायतू बंधु स्कीम जो है ये कौन से राज्य में घोषित करी गई तो बताइए जी ये क्वेश्चन आंसर तो उसने लिख ही दिया सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कौन सी स्टेट में रायतू बंधु स्कीम दिस इज इंपॉर्टेंट है क्लियर रायतू बंधु योजना तो ये किसने करी थी यस yes, आंसर इसमें क्या बनेगा तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर यस तेलंगाना इज द राइट वन सी ऑप्शन क्या बनेगा राइट right आंसर बनेगा सी ऑप्शन यस सी ऑप्शन इज द राइट वन बस इतने ही क्वेश्चन है हमारे ऐसे ही मतलब जो कुछ क्वेश्चन है आपको ऐसे ही याद करने हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गांधी इरविन पैक्ट गांधी इरविन पैक्ट जो है आपका उसका ग्रेटेस्ट मेरिट क्या है उसका समझौता क्या है क्या हुआ था इसके अंदर बताइए जी हम्म वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बताइए इसमें हुआ गया था बताइए इसमें हुआ गया था गांधी इरविन पैक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था गांधी इरविन पैक्ट को हम और क्या बोलते हैं दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है 1931 में साइन हुआ था इसमें क्या हुआ था इरविन ने बोला गांधी जी को सॉरी गांधी ने इरविन ने बोला गांधी जी को कि आप जो है सिविल डिसोबीडियस मूवमेंट यानी के सबन्या अवज्ञा आंदोलन जो है आप बंद कर दो ठीक है तो गांधी जी मान गए कि हां हम कर देंगे लेकिन गांधी जी ने बदले में बोला इरविन को कि भाई तू ऐसे कर जितने पॉलिटिकल प्रिजनर छोड़ पकड़े हुए हैं ना तुम सबको छोड़ो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ो ये इरविन भी मान गया लेकिन उसमें ये बोला गया पॉलिटिकल नॉट क्रिमिनल ठीक है पॉलिटिकल बोला गया लेकिन सरकार की नजरों में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वो क्रिमिनल थे ठीक है तो गांधी जी ने मतलब बोला जाता है जो बीच बीच में कॉन्स्पिरसी होती है ना वो इस बात के ऊपर होती है कि गांधी जी ने इनको क्यों नहीं छुड़वाया ठीक है एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड आपका इसमें इरविन ने यह भी बोला कि आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तो इसी कारण जो है गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे आईएनसी की साइड से सेकेंड मीटिंग के अंदर क्लियर जो मैंने अभी आपको बताया था तो इसमें क्या बनेगा जी आपका द आई एग्री टू ज्वाइन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि आई एन सी जो है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आपकी वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होगी सो दिस वॉज द ग्रेटेस्ट मैरिट क्लियर ध्यान रखना दिस वॉज द ग्रेटेस्ट मैरिट आंसर इसमें क्या बनेगा आपका समझ आ गया आप लोगों को हम्म दिस वॉज अ ग्रेटेस्ट मैरिड यस दिस वॉज अ ग्रेटेस्ट मैरिड द आई एन सी अग्री टू ज्वाइन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये आपका देखिए काफ़ी बच्चे ये समझते हैं कि आईएनसी खुद गई थी आईएनसी नहीं गई थी आईएनसी को कोई जरूरत भी नहीं थी ठीक है मैं आपको चाहिए बताऊं आईएनसी सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि आईएनसी का फायदा हो रहा था यहाँ पे और क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए थी और इतना इनको पता लग गया था कि हमें इंडियंस को लेना ही पड़ेगा साथ में बट ये नहीं था कि इस समझौते के बाद आईएनसी ने माना था कि ठीक है हम आके पार्टिसिपेट करेंगे क्लियर तो आंसर इसी में क्या बन गया आपका वन ऑप्शन बन जाएगा वन ऑप्शन क्लियर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलिए जी अगला चलते हैं बताइए जी हाँ बिल्कुल गांधी जी सिर्फ सेकंड मीटिंग में गए थे और तीनों की तीनों मीटिंग में कौन पार्टिसिपेट किया था भीमराव अंबेडकर जी और दूसरे तेज बहादुर सपरू और गांधी जी के साथ विमेन सेक्शन को किसने रिप्रेजेंट किया था सरोजनी नायडू ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको तीनों की तीनों मीटिंग्स कहां पर हुई थी लंडन के अंदर चलिए जी क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है आरबी हैज सेट डेट द पीपीआई यूजर्स विल हैव नो लाइबिलिटी इफ दे रिपोर्ट फ्रॉडिंग रिपोर्ट फ्रॉड विद विद इन थ्री डेज मतलब क्या कह रहे हैं पीपीआई फंड के अंदर अगर आप कोई पैसा निकाल लेते हो या कोई फ्रॉड हो जाता है अगर आपने तीन दिन के अंदर आपने नहीं उनको बताया तो वो आर जो है लाइबल नहीं है कि आपको पैसा प्रोवाइड करवाएगी तो इसमें बात क्या कह रहा है कि पी का फुल फॉर्म क्या है पीपीआई का फुल फॉर्म क्या है बिल्कुल जी इसका फुल फॉर्म है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा राइट आंसर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इज़ द करेक्ट आंसर आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा देखिए पेपर में आपको पता क्या आता है क्वेश्चन कई बार पीपे टर्म इज़ इन न्यूज़ ये क्या था तो आपको पता होना चाहिए ये था भाई ये ठीक है ये वाला प्रीपेड भुगतान उपकरण आंसर इज़ डी ऑप्शन इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको टर्म्स पता होनी चाहिए चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए कौन सी राज्य सरकार ने एक दो इनिशिएटिव किए कृषक कृषि कृषक बंधु स्कीम ठीक है कृषि कृषक बंधु स्कीम के अंदर हाँ दो इनिशिएटिव लिए थे अगर देखिए जी अगर एक किसान मर जाता है ठीक है उसकी फैमिली को दो लाख रुपए मिलेगा ये एक पहला इनिशिएटिव था कृषि कृषि कृषक बोंंदू स्कीम देखो यहां पे ना इसमें देखो बंदू लिखा हुआ है वैसे तो ये बोलने में क्या आता है बोंदू मतलब क्या हो गया ये आपका कौन सी स्टेट में मतलब थोड़े से ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं नॉट आई एम नॉट अगेंस्ट एनी स्टेट बट मतलब थोड़े से ऐसे वर्ड यूज़, uh, मतलब यूज़ किए जाते हैं ये आप नाम से ही पता लग जाएगा आपको कि कौन से स्टेट होगी तो दिस इज द वेस्ट बंगाल ठीक है वेस्ट बंगाल के अंदर थोड़ा सा वर्ड्स को आई आई नो मतलब मुझे क्या बोलना चाहिए बट ऐसे बोला जाता है ठीक है तो मतलब लैंग्वेज का है आपका मेन तो लैंग्वेज है लैंग्वेज से ही आपको पता लग जाएगा क्या है वेस्ट बंगाल चलो जी मैं इसको मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है कि अगर एक किसान की डेथ हो जाती है तो उसमें दो लाख रुपये जो है आपके आ, फैमिली वालों को मिला मिलेंगे और इसमें जो है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ पच्चीस सौ रुपया जो है आपको ट्वाइस ए ईयर दो सालों के लिए मिलेगा मतलब दो सालों के लिए आपको मिलेगा एक सिंगल क्रॉप के लिए अगर आप जो है एक क्रॉप उगा रहे हैं तो पच्चीस सौ रुपया आपको मिलेगा वन एकड़ के अगेंस्ट अगर आपकी लैंड ए वन एकड़ है तो आपको उसके में आपको पैसा मिलता रहेगा पच्चीस सौ क्लियर एक फार्मर को मिलता रहेगा तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका यस ओके चलो आ, बोलते होंगे बोलते होंगे उड़ीसा में भी बोलते होंगे चलो कोई बात नहीं बट जो भी है ठीक है आंसर इसका वेस्ट बंगाल है आंसर इसका वेस्ट बंगाल है चलो अगर बोलते हैं उड़ीसा के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है बट वेस्ट बंगाल इसका आंसर है <laughs> चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया होशियार लोगों, बहुत बढ़िया चलिए होशियार तो यहीं आते हैं मेरे सामने ये देखो जी ये क्या है अच्छा यहाँ पे अब क्या कर दिया उन्होंने पाँच हज़ार रुपये कर दिया मतलब मैंने आपको बताया था ना आ, पहले क्या था आपका ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ ठीक है अब फिफ फाइव थाउजेंड रुपीज़ हो गया है और दो लाख रुपये आपको कंपनसेशन मिलेगी दो लाख रुपये कम्पनसेशन मिलेगी अरे बस बस अपनी स्टेट की सारी स्कीम्स ही गिनाओगे यहाँ पे इतना बाकी बच्चों ने नहीं पढ़ना अगर आपकी स्टेट के अंदर कुछ आ रहा है तो इस तरीके से हाँ ठीक है तो ये पता होना चाहिए चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है हाँ <laughs> चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है अभी डराना नहीं है ठीक है दूसरे बच्चों को भाई आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है ऐसे जो मेन मेन इंपॉर्टेंट होती है ना वही मैं आपको करवा रहा हूँ जो आपको पूरी वाइज पता होनी चाहिए किसी स्टेट का मत पढ़ लेना द गया सेशन ऑफ आई जो हुआ था एटी नहीं गया सेशन तो आपका नॉट इन दिन नाइनटी टू ये उन्नीस में हुआ था उन्नीस में हुआ था इसमें एक नई पार्टी बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा ठीक है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा तो ये पार्टी का नाम क्या था ये बताना है इस पार्टी का जो है नाम क्या था ये आपको बताना है ठीक है सो देखिए जी एक्चुअली इन्होंने स्वराज पार्टी स्टार्ट करी थी एक जनवरी 1923 के अंदर वन जैन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री के अंदर क्लियर पर बात यहाँ पे यह है कि इसमें स्वराज पार्टी कोई भी नहीं लिखा हुआ सभी नाम आपके ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं एक्चुअली इन्होंने क्या स्टार्ट किया था द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी सो so आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी इन्होंने स्टार्ट करी थी स्वराज पार्टी का जो नाम था वो ये था समझ आ गया ये स्वराज्य पार्टी नहीं था स्वराज पार्टी था नॉट स्वराज्य पार्टी उस पार्टी का जो एक्चुअल नेम था वो ये था द कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी था ध्यान रखना है आपको बी ऑप्शन बनेगा भाई बी ऑप्शन बनेगा तभी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं कि पेपर में गड़बड़ होने से पहले जो है सो ये आपको पता होना चाहिए क्लियर हो गया आप लोगों को द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वॉज द एग्जैक्ट आंसर बी ऑप्शन बनेगा क्लियर हो गया आप लोगों को यस इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कि पेपर में आपको गलत नहीं करने हैं बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन उद्देश्य वो ही है आपका आजादी करवाना अगला क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है कौन सी कंट्री ने बोला आर को कौन सी कंट्री ने बोला आर को कि जितने आपके सौ रुपए से ऊपर नोट होंगे वो हमारी कंट्री में जो है आप डिक्लेयर कर दो इंडियन करेंसी को डिक्लेयर कर दो कि हम यूज कर सकते हैं लीगल टेंडर घोषित कर दो तो ये कौन सी कंट्री ने बोला था नेपाल में बस इतना सा आंसर याद रखेंगे हम बाकी ज़्यादा चीजों में नहीं जाएंगे बी इज द करेक्ट आंसर नेपाल नेपाल के अंदर बोला गया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है द सदन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज द सदन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज क्या है जी सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा इंडिया का और उसने लोकेशन भी बता दिया सिक्स डिग्री फोर्टी फाइव मिनट नॉर्थ के ऊपर तो बताइए जी कौन सा पॉइंट है सो दिस इज द इंदिरा पॉइंट दिस इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा इंदिरा पॉइंट इज द करेक्ट आंसर इंदिरा पॉइंट क्लियर हो गया अब मैं आपको दिखा देता हूं सो so, ये है जी आपका इंडिया का मैप ठीक है तो इंडिया के मैप में आपको पता होना चाहिए हाँ यहां पे सो so, यहां पे जो है बिल्कुल आपका टॉप मोस्ट के ऊपर जो है आपका हम्म So, यहां पे टॉप मोस्ट के ऊपर आपका क्या है इंदिरा कोल ये इंदिरा कोल जो है ये नदन है बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है और यहां पे जो है आपका ये ऊपर जाएगा हिल गया ये चलो कोई ना मैं आपको सो दिस इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ठीक है दिस इज द साउथ मोस्ट पॉइंट दैट इज इंदिरा पॉइंट क्लियर हो गया अगर आपको इंडिया की मेन लैंड का बोलता तो यहां पे आपका आ जाता कन्याकुमारी वाला पार्ट जो नीचे है ठीक है लेकिन यहां पे बिल्कुल आपका साउथ मोस्ट पॉइंट पूछा है दैट इज द इंदिरा पॉइंट तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बनना था इंदिरा पॉइंट इज द करेक्ट आंसर हाँ इंदिरा पॉइंट क्लियर हो गया हम्म चलो एक कमेंट सेक्शन में ना एक क्वेश्चन बताओ हमारे इंडिया का हमारे इंडिया का साउथ मोस्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन लैंड ये कौन सा है ठीक है ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आवाज नहीं आ रही चेक करो एक बार साउथ मोस्ट पॉइंट जो है आपका डिस्ट्रिक्ट ठीक है बताइए साउथ मोस्ट पॉइंट जो है आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारी पूरी इंडिया स्टेट का ये कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे मुझे चलिए अगला क्वेश्चन द बुक चेंजिंग इंडिया मैंने डिस्ट्रिक्ट पूछा है जिला द बुक चेंजिंग माइंड हैज बीन पेंड बाय हु अमंग द फॉलोइंग किसने बुक लिखी गई है ये चेंजिंग इंडिया तो ये बुक लिखी है जी मनमोहन सिंह जी ने मनमोहन सिंह जी ने ठीक है मनमोहन सिंह जी के लिए पॉइंट आपको याद रखना है उन्नीस सौ इक्यानवे के अंदर एल पी जी रिफॉर्म हुए थे लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन उस टाइम पे पी वी पी वी नरसिम्हा राव पी वी नरसिम्हा राव जो थे वो थे आपके पी एम एंड फाइनेंस मिनिस्टर वॉस फाइनेंस मिनिस्टर वॉस मनमोहन सिंह जी ठीक है ये आपको याद रखना है क्लियर हो गया सो डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर डी ऑप्शन चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अगला इंडिया एंड पाकिस्तान है बाउंड्री डिस्प्यूट ओवर डैश क्रीक किस के ऊपर जो है आपका डिस्प्यूट है हमारा तो भाई ये सर क्रीक के ऊपर है सर क्रीक के ऊपर आपका डिस्प्यूट पड़ता है और ये कहाँ पे है गुजरात स्टेट में गुजरात स्टेट के अंदर देखने को आपको मिलता है सर क्रीक के अंदर तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका वन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यस तो यहां पे आपको दिखा देता हूं लोकेशन दिखा देता हूँ आपको ठीक है सो दिस इज द लोकेशन जो आपको थोड़ी सी दिख रही दिख गई होगी अब क्या है ठीक है तो यहां पे जो आपकी लोकेशन है सो दिस इज द लोकेशन दिस इज द लोकेशन जहां पे आपकी ये बाउंड्री पड़ रही है सर क्रीक वाली ठीक है हाँ ये है सर्क्रिक वाला पार्ट तो इसमें जो है रेड लाइन जो है आपकी ये रेड लाइन ये बोलता है इंडिया बोलता है कि ये हमारी है और ग्रीन लाइन पाकिस्तान बोलता है ये हमारी है तो इसी के ऊपर आपका इशू है और ये कहाँ पे पड़ रहा है जी आपका गुजरात स्टेट के बिल्कुल इस साइड के ऊपर गुजरात स्टेट के बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा सा पानी का एक रेंज है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस रखता है ये और इसी के ऊपर आपका डिस्प्यूट पड़ा हुआ है ठीक है इसी के ऊपर जो है आपका डिस्प्यूट है इस चीज के ऊपर ही आपका डिस्प्यूट है क्लियर ये कहां पे है गुजरात के अंदर है गुजरात के अंदर दिस इज द डिस्प्यूट वाटर वाटर वॉर है ये हमारी क्लियर हो गया आप लोगों को यस yes. चलिए जी अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बताइए जी क्या कहता है आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 क्या बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल कहाँ पे किसको मिलती है जी इक्वैलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वैलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है आपका हम किसको प्रोवाइड करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये किसको प्रोवाइड किया जाता है बताइए जी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है आपका किसके साथ ये संबंधित है देखिए आर्टिकल 14 जो बात करता है इक्वालिटी के लिए बात करता है द ऑल द पर्सन लिविंग विद इन द कंट्री ऑफ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए अगर कोई भी पर्सन जो है हमारे देश में हमारी बाउंड्री के अंदर आ गया तो उसको ही ये प्रोवाइड करता है आपका दैट इज़ द द ऑल पर्सन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इक्वेलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर और मैंने आपको बताया हुआ है कि चौदह से नंबर अठारह तक जो है आपका प्रॉपर तरीके से क्या है इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आता है अगर आपसे पूछा है राइट टू इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी बिफोर इक्वालिटी बिफोर लॉ तो ये जो टर्म है आपकी कहाँ से ली गई है आपकी यूएसए सॉरी ब्रिटेन से लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो टर्म ली गई है हमने वो ली है आपके यू एस ए दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को ये आपको याद रखना है आंसर इज ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग डैश फाइव ईयर प्लान इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम देखिए अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब यहाँ पे ये यह है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो और प्रॉपर तरीके से जो है लोगों को मतलब काम के लिए लेके आओ इम्प्लॉयमेंट ही की बात है मेनली क्लियर और प्रॉपर तरीके से शहरी शहर के अंदर जो है आपको डेवलपमेंट करनी है और ये कौन से फाइव ईयर प्लान में आपको आया था तो दिस वॉज इन दाइव ईयर प्लान पाँचवें फाइव ईयर प्लान में आया था पंचवी पंचवर्षीय योजना में आया था जो आपकी चली थी नाइनटीन सेवेंटी फोर से सेवेंटी नाइन तक था ईयर इसका लेकिन चली कब तक थी ये सेवेंटी एट तक चली थी क्लियर तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यस बी ऑप्शन इज द राइट वन क्लियर हो गया जी आपको फिफ्थ फाइव ईयर प्लान का ये प्रोजेक्ट था इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नेक्स्ट देखिए जी अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है तो क्वेश्चन है टचेबिलिटी इज अबॉलिस्ड जो हमने अस्पर्शता है वो हमने खत्म करी हुई है तो बताइए ये जो है अस्पर्शता का आर्टिकल कौन सा है तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर सेवनटीन अनुच्छेद सत्रह सत्रह नंबर अनुच्छेद के अंदर हम बात करते हैं क्लियर हो गया यस ठीक है और उसके बाद है आपका आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 तो आपने पता होगा आपने जो है आयुष्मान खुराना की मूवी देखी होगी जिसमें वो बात क्या करता है कि इसमें बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उसकी जाति के ऊपर रंग और सेक्स रिलीजन किसी भी चीज़ के आधार के ऊपर उसको हम नहीं कर सकते भेदभाव नहीं कर सकते आर्टिकल 15 में आर्टिकल 16 में हम बात क्या करते हैं इम्प्लॉयमेंट यानी कि अगर आप काम लेने जा रहे हो तो जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे तो सब बराबर हैं मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर सब बराबर है इक्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी उसके बाद लिखा हुआ है आर्टिकल 18 आप अपने नाम के आगे पीछे जो है कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते इससे इनक्वालिटी फैलती है लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जैसे कि आपके आ, कुछ एक्सेप्शन में क्या है आपका जैसे एजुकेशनल जैसे मैं डॉक्टर लगाता हूँ इंजीनियर लगाते हैं सीए लगाते हैं ठीक है तो ये लगा सकते हैं अपने नाम के आगे पीछे क्यों लगा सकते हैं क्योंकि इन्होंने हासिल करी है और दूसरी मिलिट्री मिलिट्री टाइटल्स भी आप लगा सकते हो परमवीर चक्र अशोक चक्र जो है सारे ये लगा सकते हैं क्लियर लेकिन ये भारत रत्न पद्म भूषण पद्म विभूषण ये नहीं लगा सकते ये ध्यान रखना सो so, आंसर इसमें क्या बनेगा आपका आर्टिकल सेवनटीन इज द करेक्ट आंसर सत्रह नंबर आर्टिकल अनटचेबिलिटी के लिए अगला क्वेश्चन बताइए जी क्या कहता है अगला क्वेश्चन है तिलाई तिलेया डैम जो है वो कहाँ पे है तिले डैम जो है वो कहाँ पे है झारखंड के अंदर है जी ये ठीक है झारखंड के अंदर है लेकिन कौन सी रिवर के ऊपर है झारखंड के अंदर है लेकिन ये इट्स बाराकर रिवर के ऊपर है सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा क्लियर ये लेकिन पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है ये कौन सी स्टेट में है झारखंड के अंदर क्लियर और यहाँ पे लिखा हुआ है दामोदर दामोदर रिवर इज़ द सोरो ऑफ बंगाल 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 का शोक कहते हैं दामोदर रिवर को कोसी का कोसी किसको कोसी किस रिवर कोसी रिवर को किसका शोक कहते हैं द सोरो ऑफ बिहार बिहार में फ्लड वगैरह लेके आने में कोसी हेल्प करती है हेल्प नहीं करती मतलब कोसी लेके आती है तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका तिलेया डैम इट इज़ ऑन द बराकर रिवर ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहते हैं द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल बारह से लेके कर पंद्रह तक बारह से लेके कर पंद्रह नंबर आर्टिकल तक जो है वो क्या है अब एक चीज़ देखिए फंडामेंटल राइट जो होते हैं आपके जस्टिशियबल होते हैं ठीक है और अब हम हमारी जो पार्लियामेंट है इसको कभी भी अमेंड कर सकती है कभी भी बदल सकती है सो so इसका मतलब दे कैन बी अमेंडेड दे कैन बी अमेंडेड संशोधन किया जा सकता है एंड दे आर जस्टिशियबल दे आर जस्टिसबल मतलब इनको न्याय मिलेगा क्योंकि आपका आर्टिकल नंबर जो है थर्टी टू के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम जा सकते हैं पांच तरह के की रिट्स हैं वहाँ पे टू ट्वेंटी सिक्स में हम जा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर तो वहाँ पे भी हमारी रिट्स लिखी गई हैं क्लियर फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन क्या बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा संशोधन किया जा सकता है फंडामेंटल राइट क्लियर हो गया रखिए एक चीज आपको और ध्यान रखनी है हम फन, हम अमेंडमेंट कभी भी कर सकते हैं लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकते बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम जो है हम नहीं खत्म कर सकते ना ही इसके अंदर चेंज कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो है टाइम टू टाइम जो है हमारी जुडिशरी जो होती है वो बताती रहती है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या लेकिन लिखा कहीं पर भी नहीं हुआ बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई थी केशव नंदा भारती केस के अंदर नाइनटीन के अंदर देखने को आपको मिला था क्लियर फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है से पार्ट थ्री के अंदर आता है मैगना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका दूसरा ऑप्शन कैन बी अमेंडेड इज द करेक्ट आंसर कैन बी अमेंडेड चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए जी फटाफट -फड़ बताइए तो यही तो लिखा है हाँ सुप्रीम कोर्ट बत्तीस नंबर आर्टिकल यही तो लिखा था शिवासुंद्रम डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर बताइए जी ये कौन सी रिवर के ऊपर है शिवासमुंद्रम बिल्कुल 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 ठीक है तो ये जो है एक्चुअली ये रिवर जो है मैं आपको बताऊंगा कौन सी रिवर है लेकिन ये ब्रह्मगिरी रेंज से स्टार्ट होती है ब्रह्मगिरी रेंज ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटक से ये स्टार्ट होती है और फिर बहती है आपकी और बंगाल की खाड़ी में गिरती है शिवासुंद्रम डैम शिवासुंदरम बांध और यह है आपकी कावेरी रिवर आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा कावेरी रिवर इज ए पेरिनल रिवर पेरिनल रिवर का मतलब क्या होता है कि सारा साल बहती है जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया की सारी रिवर्स बहती हैं वैसे ही क्लियर तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा और इसमें जो लिखा हुआ है कृष्णा रिवर कृष्णा रिवर के ऊपर नागर्जना सागर डैम है महानदी के ऊपर जो है आपका हीराकूट डैम है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पहला लगा हुआ था हमारा उड़ीसा के अंदर है ये क्लियर और एक चीज आपको बताता हूं डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया डैम्स जो हैं वो टेम्पल हैं मंदिर हैं आधुनिक भारत के लिए वो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था ठीक है नर्मदा रिवर के ऊपर कौन सा है जी सरदार सरोवर डैम बहुत सारे डैम्स और भी हैं ये आपको याद रखने हैं तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका फोर्थ ऑप्शन बनेगा कावेरी रिवर इज द करेक्ट आंसर कावेरी रिवर इज द राइट वन यस डी ऑप्शन बनेगा कावेरी रिवर चलिए जी आगे चलो जी क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है हम्म क्वेश्चन क्या कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका फंडामेंटल राइट right से हटा दिया गया था यह कौन से आर्टिकल में हटाया गया था देखिए जी राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले आपका आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट right में आता था फिर बाद में हमने इसको 300 ए में डाल दिया एज ए हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right, हमारा संवैधानिक अधिकार और लीगल राइट कानूनी हक बना दिया तो ये कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 44 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमने बना दिया गया था थर्ड थर्ड ऑप्शन क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा 44 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये जनता पार्टी के टाइम पे आई थी जनता पार्टी के मिनिस्टर इस टाइम पे कौन थे मोराजी देसाई व द प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पे एक वर्ड और याद किया गया था जो हमारी इंटर जो हमारा वो है नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी में एक टर्म होती थी पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस आंतरिक विद्रोह इसको हमने चेंज कर दिया था आर्म रिविलियन में जानि कि अगर सैन्य विद्रोह होगा तभी आप जो है राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति लगा सकते हैं अदरवाइज ये नहीं लगा सकते ठीक है ये आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट बयालीसवां संशोधन जो है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि हमने तीन वर्ड प्रेमबल में ऐड किए थे प्रेमबल में प्रस्तावना में कौन से सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी सामाजिक पंथनिरपेक्ष और अखंडता वर्ड ऐड किए गए थे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं यहाँ पे ऐड करी गई थी दस क्लियर हो गया बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड करी गई थी इतना याद रखना है आपको चौबीसवां संशोधन जो है आपका ये था कि हम जो है जो पार्लियामेंट है वो हमारे संविधान के किसी भी हिस्से को जो है किसी भी हिस्से को जो है वो अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट क्लियर तो ये बात करी गई थी तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका जमीन का हक संपत्ति का हक जो है वो चवालीसवें संशोधन के अकॉर्डिंग हमने हटाया था क्लियर यस yes, ये नाइनटीन में था 1978 में और ये वाला uh, 1976 में और ये वाला 1971 में क्लियर हो गया आप लोगों को तो ये मैंने ईयर भी लिख दिया नीचे तो आपको याद होगा ना तो आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट वन तो ये आपके जी फंडामेंटल राइट जैसे मैंने आपको बताया हुआ है पार्ट थ्री जो है फंडामेंटल राइट के लिए पार्ट फोर डी के लिए पार्ट फोर ए फंडामेंटल ड्यूटी के लिए क्लियर पार्ट थ्री को हम क्या कहते हैं द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्लियर फंडामेंटल राइट हमने बोरो कहाँ से किए यू एस से बोरो किए हुए हैं फंडामेंटल राइट को हम सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन दो आर्टिकल को छोड़ के बीस और इक्कीस को छोड़ के लेकिन फंडामेंटल राइट जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास कौन कौन से हैं सिर्फ इंडियन को मिलेंगे पंद्रह सोलह उन्नीस उनतीस और तीस ये हमारे एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिलेंगे क्लियर बाकी मैंने आपको बता रखा है राइट टू इक्वालिटी जो है आपका चौदह से अठारह नंबर तक आता है फ्रीडम वाला उन्नीस से बाईस तक आता है एक्सप्ल्टेशन शोषण के विरुद्ध वाला तेईस से चौबीस आता है रिलीजन वाला पच्चीस से अट्ठाइस आता है कल्चरल और एजुकेशन राइट उनतीस से तीस और आपके जो हम रिट वगैरह फाइल करते हैं रेमेडीज वो बत्तीस नंबर आर्टिकल में आता है क्लियर हो गया हाँ क्लियर हो गया सबको ये सारी चीजें हमने इसमें इंक्लूड करी हुई हैं हमारे बताइए जी अगला क्वेश्चन बताइए तिलपारा हम किस रिवर के ऊपर है ये भी आपको याद करना है ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ तिलपारा बैरेज जो है वो मयूर काशी के ऊपर है मयूर सॉरी मयूराक्षी मयूर म्यूर, इट्स म्यूराक्षी म्यूराक्षी रिवर के ऊपर है म्यूराक्षी रिवर जो है वो दो स्टेट्स में बहती है आपकी वेस्ट बंगाल और झारखंड में वेस्ट बंगाल और झारखंड में बहती है बस इतना याद रखना है आपको तिलपारा बैरिज म्यूराक्षी म्यूर रिवर के ऊपर है ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्लियर इतना ही याद करिए आप बस बताइए जी अगला बताइए आर्टिकल तेईस जो कॉन्स्टिट्यूशन का है हमारा वो किस चीज़ को जो है प्रोहिबिट नहीं करता किस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं करता मतलब निषेध नहीं कर सकता मतलब ये हमारा जो है आपका चलता जाएगा आ, आर्टिकल नंबर तेईस देखिए हम बैगरी के लिए वो कहता है कि भिखारी मतलब ज़बरदस्ती किसी से भीख नहीं मंगवानी फोर्स लेबर के लिए वो बात करता है ज़बरदस्ती आप किसी से जो है अपना लेबर नहीं करवा सकते और मानव में नॉट या, यातायात ये ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बींग मतलब क्या है जो आपका सेल परचेज होता है वो नहीं करवा सकते ठीक है तो मतलब क्या हो गया कि डजन प्रोहिबिट कौन सी चीज प्रोहिबिट नहीं करता ये सो so, बी वाला ऑप्शन बनेगा ये चीज प्रोहिबिट नहीं करता ये चीज रोकता नहीं है आपको कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक सर्विसेज ये आपका राइट right आंसर बनेगा आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा द कंपलसरी सर्विस फॉर द पब्लिक सर्विसेज ये आपका प्रोहिबिट नहीं करता आर्टिकल तेईस क्लियर बाकी सारी चीज़ें प्रोहिबिट करता है अगला बताइए जी फटाफट कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो है आपकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आई ठीक है और प्रॉपर तरीके से ये चला तो बताइए जी कि कौन सी आ, कौन सा ये एजुकेशन रिपोर्ट आई थी कौन सी एजुकेशन रिपोर्ट आई थी काफी बच्चे जो आंसर दे रहे हैं ना वो गलत दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है काफी बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं इस चीज का हाँ पता क्यों गलत दे रहे हैं मैं आपको बताता हूं कैसे गलत दे रहे हैं वो पहली बात तो उसने क्या बोला यूनिवर्सिटी बोला है क्या बोला है उसने यूनिवर्सिटी और इसमें जो काफी बच्चे दे रहे हैं हंटर कमीशन हंटर कमीशन भाई आपका यूनिवर्सिटी uh, नहीं था वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए था ठीक है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए था वुड्स डिस्पैच डी ऑप्शन ये था आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए और एंग्लो वर्नेकुलर लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट के लिए और इसको हम क्या कहते हैं द मैगना काटा ऑफ इंडियन एजुकेशन इन इंडिया मैगना काटा बोला जाता है तो ये आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन वुड्स डिस्पैच इज द करेक्ट आंसर क्लियर और फिर यहां पर लिखा हुआ है इट्स मे कॉले माइन्यूट ठीक है सो so, ये क्या था? आपका अठारह सौ पैंतीस में इसने क्या बोला था इंग्लिश एजुकेशन लगाओ हमारे देश के अंदर तभी लॉर्ड मैकॉले को बोला जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया लेकिन इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किसने करी थी वो बैंटिक ने करी थी लॉर्ड बैंटिक ने विलियम बैंटिक ने ठीक हो गया चार्टर एक्ट की हम बात करते हैं तो चार्टर एक्ट आपको याद करवाया हुआ है मैंने अठारह वाला तो उसमें क्या था एक लाख रुपया सालाना आपकी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा ये कॉन्सेप्ट आया था तो इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए वुड्स डिस्पैच था आंसर इज फोर्थ ऑप्शन समझ आ गया जी आपका यस आंसर इज फोर्थ चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए जी क्या कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है हमने कहाँ से बोरो किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है हमने कहाँ से बोरो किया है ये बताना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की बात आती है छत्तीस से लेकर इक्यावन तक नंबर तक आर्टिकल आते हैं पार्ट फोर के अंदर आता है और हमने इसको बोरो किया है आयरलैंड से तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा आयरलैंड के संविधान से और इसका मेन मोटिव क्या होता है द वेलफेयर ऑफ द स्टेट वेलफेयर ऑफ द स्टेट और दूसरा सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात होती है यहाँ पे क्लियर और यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव पचहत्तर परसेंट हिस्सा हमने यहाँ से लिया है थ्री बाई फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन स्विट्जरलैंड तो रहें दो यूएस अमेरिका से हमने लिया है फंडामेंटल राइट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रिट वर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं रिट तो हमने यू के से लिए हैं और हमारे फंडामेंटल राइट right का कॉन्सेप्ट पेम्बल की लैंग्वेज क्लियर जुडिशियल रिव्यू यह सारे कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिखे हैं तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर ठीक है बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन तो यहाँ पे देखिए जी ये आपके फंडामेंटल कुछ हैं सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसमें पचहत्तर परसेंट हिस्सा ले रखा है और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज बाई कैमरलिजम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट right, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जुडिशरी के कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिए हैं आयरलैंड से हमने लिए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्यसभा की नॉमिनेशन और इलेक्शन मेथड जो प्रेसिडेंट का कनाडा से लिया गया है फेडरेशन विद स्ट्रॉग सेंटर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट सम्वर्ति सूची जर्मनी से लिया गया है कि फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड हो जाएंगे एमरजेंसी के टाइम पे यू से फंडामेंटल ड्यूटी फ्रांस से हमने लिबर्टी इक्वालिटी फर एटर्निटी वर्ड साउथ अफ्रीका से हमने लिया हुआ है अमेंडमेंट प्रोसीजर तो इससे इस तरीके से सारे प्रोसीजर हमने यहाँ से लिए हैं ठीक है ये आपको नहीं दिख रहा होगा बट अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है ये आपको अपनी बुक से देख लेना कि कहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ले रखी हैं ठीक है तो ये क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट थी इसी में आनी थी तो मैंने आपको ऐसे बता दिया क्लियर तो ये ध्यान रखना चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए हु हुट द बारधूली मूवमेंट बारदोली आंदोलन जो है ये किसने लीड किया था देखिए जी बारदोली का मतलब क्या था बारदोली कहाँ पे है गुजरात के अंदर है 1928 के अंदर और ये क्रॉप के टैक्सेशन के लिए था क्रॉप टैक्सेशन के लिए और किसने किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा वल्लभ भाई पटेल जी को यहाँ पर एक टाइटल मिला था क्या सरदार और ये सरदार टाइटल गांव की औरतों ने दिया था द दिमेन ऑफ द द गांव बारदोली की फिर इनको बोला था महात्मा गांधी जी ने ठीक है ध्यान रखना क्लियर महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह इंडिया में चंपारण सत्याग्रह था 1917 में राजकुमार शुक्ला इनको बुलाने लेके आए थे बिहार के अंदर क्लियर सो डेट्स इट राजगोपाल के लिए आप एक वर्ड याद रखें सी राजगोपाल वो पर्सन है जो हमारे पहले इंडियन एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वो कौन थे आपके सी राजगोपाल सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट वन सो so दिस इज बारदोली सत्याग्रह बारदोली सत्याग्रह क्रॉप टैक्सेशन के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमने ऐड करी गई हैं जी हमारे संविधान में वो कौन सी चीज के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको सबमिट uh, किया हुआ है तो ये बताना है आपको देखिए जी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब क्या हो गया आपका मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य जो हमने ऐड किए गए हैं वो पार्ट फोर के अंदर ऐड किए गए पार्ट फोर ए के अंदर आर्टिकल फिफ्टी वन ए के अंदर तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट की गई गई है यहाँ पे ध्यान रखना तो इसमें आंसर आपका क्या बनेगा ये भी नहीं बनेगा जो मैंने कर रहा हूँ ठीक तो ये बनेगा फोर ऑप्शन बनेगा फोर्थ uh, ऑप्शन बनेगा पार्ट फोर ए फिफ्टी वन ए ध्यान रखना गलती ना कर देना फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए आपका डी ऑप्शन बनने वाला है इसमें इसमें ऑप्शन ऑप्शन काफी देखो आपके भी गलत हो रहे हैं तो इसमें fourth बनेगा ठीक है और फंडामेंटल ड्यूटी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐड करी थी स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन से दस फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी और ग्यारहवीं थी हमने एटी सिक्स अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड टू के अकॉर्डिंग एड करी थी तो इसमें आंसर क्या बनने वाला है आपका फोर्थ ऑप्शन क्या बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा पार्ट फोर एस फिफ्टी वन ए ए डी ऑप्शन तो ये है जी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी में है क्या कि हमने अपने रिस्पेक्ट करनी है हमारे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है जो हमारे संविधान के जितने भी हमारे संविधान के हमारे आइडियाज़ हैं उनको हमने आ, मान के चलना है भाईचारा बना के रखना है और पूरे के पूरे देश को यूनाइट करके रखना है इंटीग्रिटी करके रखनी है आपने और प्रॉपर तरीके से अगर ज़रूरत पड़े किसी किसी भी टाइम हमें अपने देश के लिए लड़ना भी पड़ सकता है क्लियर और प्रॉपर भाईचारा बना के रखना है और इस रिच हेरिटेज को कंपोज करके रखना है और इस हेरिटेज को हमने द्रोहर को आगे लेके जाना है अपनी जनरेशन तक पहुंचाना है क्लियर और नेचुरल इन्वायरमेंट लेक्स फॉरेस्ट रिवर इन सबको बचाना है और प्रॉपर शांति से साइंटिफिक तरीके से सबको एक साथ लेके काम करना है ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किए गए थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर क्लियर चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है वो इसीलिए विजिबल नहीं है वो स्लाइड्स आर नॉट विजिबल कह रहे हो क्वेश्चन तो दिख रहे हैं तुम्हें तो वो इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो फोटोज़ जो हैं वो बहुत शॉर्ट फोटोज़ हैं ठीक है और वो जो चीज़ें हैं ना आपकी वो फोटोज़ जो लगाई गई हैं वो मैं आपको समझाने के लिए लगाई हैं कि मैं आपको बता सकूँ चीज़ें वो ऐसे नहीं है कि आपको हर चीज़ दिखनी चाहिए हर चीज़ देखने में ज़्यादा नुकसान भी होता है कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप जाओ यार यहाँ से क्यों दूसरों को परेशान करते हो नहीं दिख रहा आपको मेरी आवाज नहीं सुन रही वो भी नहीं सुन रही होगी शायद आपका हेडफोन खराब हो गया होगा हु इज क्रेडिटेड फॉर द रिमूवल ऑफ बैन ऑन द newspaper? ठीक है तो newspaper का जो बैन किया था वो किसने किया था ठीक है newspaper का जो बैन है वो किसने किया था बताइए जी न्यूज़पेपर के ऊपर जो मतलब आई मीन टू से बैन जो हमने किया था उसको हटा दिया गया था वो आपको बताना है अरे ना हम कौन सा गुस्सा का कौन सा हमने किसी की पूछ उखाड़ देनी है तो क्वेश्चन देखिए जी क्या कह रहा है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है रिमूवल ऑफ बैन तो बात करते हैं बैन किसने हटाया था चार्ल्स मेटकाल्फ ने आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा इसीलिए इसको कहते हैं द लिबरेटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ठीक है लिबरेटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इनको बोला जाता है तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका बी ऑप्शन बनेगा चार्ल्स मेटकार क्लियर हो गया सो यहाँ पे है लॉर्ड विलियम बैंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंग्लिश एजुकेशन इन्होंने लगाई थी सती प्रथा इन्होंने खत्म करी थी सती प्रथा अठारह में इंग्लिश एजुकेशन अठारह में लॉर्ड मैकॉले इनको बोलते हैं द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया लॉर्ड क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी प्लासी का युद्ध सत्रह सिराजुद्दौला के अगेंस्ट वॉरन हास्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट सत्रह ठीक है याद है आप लोगों को सारी चीजेंगे तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर क्लियर हो गया आप लोगों को यस चलिए जी छियासीवा संशोधन हुआ अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करते हैं वो देखिए जी पहली बात तो आपको मैं बताता हूँ क्या है ये एजुकेशन तीन कॉन्सेप्ट में आता है आपका अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ए जो राइट टू एजुकेशन है जिसमें छः से चौदह साल के बच्चों को पढ़ाना आर्टिकल नंबर फोर्टी फाइव जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है जीरो से छ साल के बच्चों को पढ़ाना और एक आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटी ग्यारहवीं फंडामेंटल ड्यूटी जिसमें छः से चौदह साल के बच्चों को पढ़ाना तो यहाँ पे अर्ली चाइल्ड हुड केयर की बात हो रही है तो ये बात कर रहा है आपका आर्टिकल नंबर फोर्टी की तो ये कब तक होगा एज ऑफ सिक्स ईयर एज ऑफ सिक्स ईयर छः वर्ष की आजु तो बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बन जाएगा ठीक है जी आपका ये नहीं है बारह नहीं है ये छः बनेगा छः बनेगा बी ऑप्शन बनेगा हम्म, बी ऑप्शन बनने वाला है नेक्स्ट देखिए जी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो आया था वो कनिष्क के टाइम पे आया था और गंदार स्कूल ऑफ आर्ट्स भी कनिष्क के टाइम पे आया था गंदार स्कूल ऑफ आर्ट्स में क्या होता था कि मस्कुलर बॉडी बनाते थे मस्कुलर बॉडीज ठीक है जो बुद्ध भगवान की जो मस्कुलर बॉडीज़ हैं मतलब वो हैं आई मीन टू से स्कटर्स हैं जो मूर्तियाँ बना वगैरह बनाई गई हैं स्माइलिंग फेस ये इस तरीके से वो सारी की सारी गंदार स्कूल ऑफ़ आर्ट्स में है लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स का जो मेन फीचर है वो क्या है वो कि भाई रेड सेंड स्टोन में बनाई गई हैं रेड सैंड स्टोन में क्लियर अगर मैं आपको बताऊं कि कनिष्क का एक हेडलेस स्टैचू है हेडलेस स्टैचू हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क वो कौन से स्कूल ऑफ आर्ट्स में बनाया गया है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में बनाया गया है क्लियर बामियान के अंदर बामियान अफगानिस्तान के अंदर जो है आपका गौतम जो है बुद्ध भगवान की जो है मूर्त है वो भी किसमें है जी आपकी डेट इज इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स क्लियर ध्यान रखना तो इसका मेन फीचर क्या है आपका रेड सेंड स्टोन लाल बलुआ पत्थर के फॉर्म में बनाया गया है तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा यस सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन क्लियर हो रहा है आप लोगों को यस सी ऑप्शन बनेगा राइट right वन तो ये है जी आपका ठीक है मेनली क्लियर हो गया तो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स चलिए जी अगला बताइए हाँ सर बताइए जी ये वाला एनी रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द जजमेंट डेकरे और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शेल बी चार्जो क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी भी न्यायालय के ऊपर खर्चा होने वाला है ठीक है किसी भी न्यायालय के ऊपर खर्चा होने वाला है और किसी भी चीज का कोई भी चार्ज निकलता है जुडिशिय के ऊपर तो हम वो कहाँ से लेते हैं तो वो कहाँ से लिया जाता है वो हमेशा लिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भारत के संचित निधि से और समेकित कोष से लिया जाता है इसको आप संचित निधि भी कह सकते हैं भारत की संचित निधि 266 के अंडर आर्टिकल में आता है आर्टिकल 266 के अंदर देखने को आपको मिलता है ए ऑप्शन क्या बनेगा राइट right आंसर बनेगा द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आंसर इज ए ऑप्शन क्या बनेगा करेक्ट आंसर क्लियर और यहाँ पे लिखा हुआ है होम अफेयर मिनिस्ट्री सिटीजनशिप जो होती है नागरिकता का कॉन्सेप्ट वो हमारी होम अफेयर मिनिस्ट्री देखती है नागरिकता वाला आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है फटाफट आंसर टिक करो इसमें हु पावर टू डिजॉल्व द हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा सॉरी हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को डिजोल्व करने की शक्ति जो है वो किसके पास होती है वो किसके पास होती है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के पास कैसे प्रधानमंत्री और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कहता है कि हाँ हमारे पास क्या है मेजोरिटी नहीं है नो मेजोरिटी एट ऑल अगर हमारे पास मेजोरिटी नहीं है तो ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं तो इससे क्या होगा हाउस ऑफ पीपल डिज़ोल्व हो जाता है तो आंसर इसमें क्या बनेगा राष्ट्रपति इज़ द करेक्ट आंसर आंसर इज थर्ड ऑप्शन क्या बनेगा राइट right आंसर बनेगा क्लियर सी ऑप्शन बनेगा प्रेजिडेंट इज द करेक्ट आंसर प्रेजिडेंट नेक्स्ट देखिए जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील का स्टेनलेस स्टील जो है आपका एक आ, मेटल आ, कौन सी यूज होती है आयरन के अंदर ताकि स्टेनलेस स्टील बनाया जाए स्टेनलेस स्टील जाने कि जंग रोहित लोहा इस्पात भी आप कह सकते हैं तो एक्चुअली स्टेनलेस स्टील में क्या होता है तीन चार चीज़ें होती हैं एक तो होता है आपका आयरन निकल क्रोमियम एंड कार्बन ठीक है आयरन जो लोहा होता है पचहत्तर परसेंट निकल पंद्रह परसेंट क्रोमियम दस परसेंट कार्बन जो होता है पॉइंट जीरो फाइव परसेंट कार्बन जो होता है वो स्ट्रेंथ के लिए होता है मेनली क्लियर तो इसमें देख लो जी कौन सा ऑप्शन बनेगा तो आंसर इसमें बनेगा आपका क्रोमियम क्या बनेगा इसमें आंसर यस क्रोमियम में किया जाता है मेटल पूछा है उसने ध्यान रखना मेटल पूछा है उसने धातु पूछा है फिर कहेंगे सर कार्बन कार्बन भी आ सकता है मेटल पूछा है क्रोमियम इज द मेटल क्लियर तो ये यूज होता है आपका क्रोमियम यूज होता है आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो ये पहली मेटल जो हमने डिस्कवर करी धरती के अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर द फर्स्ट मेटल जो मिलती है हमें एल्यूमिनियम की ओर पूछी जाती है बॉक्साइट और कोरेंडम दीज आर द ओर्स ऑफ द एल्यूमिनियम दिस इज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन नेक्स्ट देखिए जी दो सेशन होते हैं पार्लिया मतलब पार्लियामेंट के दो सेशन के अंदर आपका कितना मैक्सिमम गैप हो सकता है दो सेशन के अंदर कितना गैप हो सकता है देखिए जब भी सेशन की बात आती है तो सेशन में स्टार्ट कौन करता है राष्ट्रपति उसको ख़त्म भी कौन करते हैं राष्ट्रपति लेकिन बात यही आती है कि दो सेशन एक सेशन ये हो गया और दूसरा सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है वो हमेशा मैक्सिमम छः महीने गैप हो सकता है तो आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बन जाएगा सिक्स मंथ का गैप हो सकता है मैक्सिमम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी देखना तो अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है द हाइएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ यह बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यह बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हाइएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ ठीक है तो ये तो सबको पता है कौन है दैट इज माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट इज द राइट आंसर एट एट फोर एट मीटर नेपाल में क्लियर कैंसनजंगा इंडिया की है क्लियर इंडिया की है ये और लहोद से मकालू ये इंडिया और आ, इंडिया और नेपाल के बीच में पड़ती है क्लियर सॉरी ये मिल, मिलती है आपको चाइना और नेपाल में चाइना और नेपाल में मिलती हैं क्लियर हो गया आप लोगों को तो आंसर इसमें क्या बनेगा माउंट एवरेस्ट इज द करेक्ट आंसर ए ऑप्शन माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट इज इन द नेपाल नॉट चाइना माउंट एवरेस्ट समझ आ गया आपको ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर ए ऑप्शन चलिए जी क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे जो हमारे जो गवर्नर होते हैं राज्यपाल वो भी सजा माफ़ कर सकते हैं वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जैसे राष्ट्रपति सजा माफ़ कर सकता है अंडर आर्टिकल सेवेंटी टू तो ऐसे ही गवर्नर राज्यपाल जो है वो अंडर आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग जो है अपनी सजा माफ कर सकते हैं तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन बनेगा किसी की सजा कम भी कर सकते हैं क्लियर हो गया आप लोगों को बिल्कुल ये आंसर बनेगा जी आपका डेट इज़ अ सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बनेगा राइट वन बन जाएगा क्लियर हो गया आप लोगों को यस सी ऑप्शन बनेगा आर्टिकल 151 क्या कहता है जो आपका कैग होता है वो ऑडिट करता है रिपोर्ट्स को ऑडिट द रिपोर्ट्स और आपका आर्टिकल वन वन फाइव वन फाइव फाइव जो है ये बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर राज्यपाल की अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है क्लियर और यहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल वन सिक्सटी फाइव ये क्या बताता है एडवोकेट जनरल एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट क्लियर ध्यान रखना आर्टिकल वन सिक्स फाइव तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन दैट इज वन सिक्स वन इज द करेक्ट वन वन सिक्स वन चलिए अगला बताइए ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक कौन होते हैं अनुवंशिकी के जनक जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं तो इसमें उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं ये कौन किसने बताया था देखिए सारे नाम बता देता हूं आपको जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं जीन और जीन टर्म किसने दिया था जोहैंसन ने क्लियर और मॉडर्न जेनेटिक्स के जो जनक हैं वो हैं मैंडल ए ऑप्शन ह्यूगो ह्यूगोडीवरीज लिखा हुआ है इसने बताया था म्यूटेशन के बारे में म्यूटेशन बदलाव जो हमारा होता है बदलाव जो होता है हमारा उसमें डेट इज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन डार्विन ने क्या बताया था नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थॉमस मॉर्गन मॉर्गन ने क्या बताया था लिंकेज का कॉन्सेप्ट बताया था क्लियर ये सारे नाम आपको याद रखने हैं तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा जॉन मेंडल इज द करेक्ट आंसर आंसर इज वन ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट ए ऑप्शन बनेगा तो देखिए जी ये है जी आपके मेंडल द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था पाइसम सेटिवम पाइसम सेटिवम मतलब पी प्लांट मतलब मटर का प्लांट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इस तरीके से इन्होंने ढूंढे थे लॉस ढूंढे थे क्लियर ये बताना है चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए जी क्या कहता है फटाफट बताइए कौन सा इसमें से जो डिस्प्यूट पड़ता है आपका जो डिस्प्यूट पड़ता है आपका आर्टिकल्स के लिए बात करता है कि कौन सी प्रोविजन है देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने से पहले देखिए कि जब मैंने पेपर डाला था ये क्वेश्चन डाले हैं मैंने आपने देखा होगा कि मैंने पहले क्वेश्चन जो है दस क्वेश्चन जो है बड़े आसान से डाले थे मतलब कॉन्सेप्ट वाइज डाले थे फिर मैंने आपके दस या पंद्रह क्वेश्चन आपके आए होंगे वो जो प्रॉपर तरीके से आपको पता ही नहीं था ठीक है तो उसमें क्या हुआ उसमें बच्चों का लेवल जो है ना वो डाउन होने लग गया और यहाँ पे जो बच्चे थे हमारे लाइव बैठे थे वो भी कम होने लग गए पता क्यों मैं आपको वो नहीं आता मुझे लाइव का वो है बट आपको एक चीज सीखनी है कि अगर आपको ये दस क्वेश्चन आते हैं तो आप वेल एंड गुड आप चलते जाओ अगर ये दस पंद्रह क्वेश्चन नहीं आते ना तो आप इनको छोड़ते चलो इनको छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ लेकिन अगर आपने मनोबल डाउन कर लिया तो आपका पेपर नहीं होना आप एक चीज देखिए दस पंद्रह क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन फिर वैसे ही दिखने लग गए ठीक है फिर हो सकता है कि 10-15 क्वेश्चन के बाद या 20-30 क्वेश्चन के बाद आपको फिर वो 10-15 क्वेश्चन ऐसे दिखने लग जाएं क्योंकि इस पेपर एग्जामिनर आपको ऐसे डालता है कि आपका एक मनोबल डाउन भी हो कि आपको जो आता है ना वो आपको आता भी ना हो तो इसीलिए आपको डरना नहीं है करते चलना है जो चीज नहीं पता उसको छोड़ते जाओ ये मत सोचो कि मेरे को 10-15 क्वेश्चन नहीं आते हो सकता है ना कि आपके 10 पहले क्वेश्चन आते हो 10-15 के बाद सारा पेपर ही आपको आता हो लेकिन आप 10-15 में ही अगर उलझ गए तो मतलब क्या हो गया गया फिर तो पेपर ही चला जाएगा आपका ये चीज ध्यान रखना समझ आ गया आप लोगों को तो ये ध्यान रखनी है इन चीजें ये वाली आप लोगों को तो क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है इंटरस्टेट रिवर के बारे में पूछता है हां इंटरस्टेट रिवर के बारे में बताइए जी इंटरस्टेट रिवर के बारे में पूछ रहा है तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है तो पहले मैं आपको बता दूं आर्टिकल नंबर 258 जो है वो दो क्या है कि पार्लियामेंट दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के ऊपर कभी भी कानून बना सकती है कोई भी कानून बना सकती है क्लियर हो गया और उसके बाद 260 लिखा गया है इसमें वो जूरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है यूनियन की सेंटर की जो जुरिस्डिक्शन है क्षेत्राधिकार है वो हमारे इंडिया के भी बाहर कौन कौन सी टेरिटरीज के ऊपर है वो भी इसमें बताया जाता है फिर लिखा हुआ है टू टू सो दिस इज द इंटर स्टेट सी ऑप्शन बनेगा इंटर स्टेट वाला टू सिक्सटी टू वाला होता है क्लियर हो गया आप लोगों को yes. यस टू सिक्सटी टू होता है आपका इंटरस्टेट वाला बस इतना सा याद रखना है आपको क्लियर हां हां तो ये 264 आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो आप इसमें क्योंकि इसमें क्या होता है कि फाइनेंस कमीशन का जो इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट आता है लेकिन फाइनेंस कमीशन जो है आपका आर्टिकल 280 में दिया गया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना मैंने इसलिए आपको टू ज्यादा बताया नहीं है आपको ठीक है तो आंसर इसमें सिर्फ याद रखिए आंसर इसमें टू इज द करेक्ट आंसर आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा टू इज द राइट वन इंटर स्टेट ठीक है टू टू इज द राइट वन सी ऑप्शन बनेगा चलिए जी ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन में बताया था क्वेश्चन बताया था मैंने आपको इनमें से कौन सी कैपिटल जो है मगधन एम्पायर की नहीं है ये बोला है देखिए जी राजगिर कैपिटल थी गिरिव राज कैपिटल थी और ये किसने बनाई थी मैंने आपको बताया था आपके बिंबिसार ने ठीक है और उसके बाद जो है पाटलिपुत्रा पाटलिपुत्रा शहर जो बनाया था उदयन ने उनकी कैपिटल बना ली थी उदयन ने कौशाम्बी वॉज नॉट द कैपिटल तो कौशाम्बी का कैपिटल नहीं थी तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका डी ऑप्शन बन गया कोशाम्बी का तो नाम दूर दूर तक ही नहीं है इसमें ध्यान रखो उसने क्या पूछा है नॉट पूछा है क्वेश्चन ध्यान से समझो क्वेश्चन जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो ना तो आपको ऐसे सर्कल लगाने होते हैं जैसे मैं बीच में मैंने लगाया नॉट पूछा है उसने नॉट पूछा है क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो आंसर आप आंसर कर देते हो सही वाला जिससे जैसे इसमें काफी बच्चों ने दिया है डी ऑप्शन सॉरी गिरीवराज ऑप्शन दे रहे थे लेकिन उसमें ध्यान रखो नॉट पूछा है कौन सी कैपिटल नहीं थी ठीक है डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर हां जी डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन डी ऑप्शन चलो जी अगला तो ये है जी आपकी कैपिटल्स क्लियर हो गया ये है आपका जो पूरा पूरा महाजनपद का पाठ था महाजनपद जो है ना महाजनपद का मतलब ये होता है कि प्रॉपर एक साम्राज्य और इसमें कितने जनपद थे कितने राज्य थे सोलह राज्य थे सिक्सटीन जनपद थी जो छोटे छोटे राजा थे जिसमें उनकी वंश थे और अपना पूरा का पूरा वो संभालते थे क्लियर हो गया तो ये था पूरा का पूरा महाजनपद वाला इलाका क्लियर चलिए जी ये है मगधन इंपायर बिहार में मगधन एम्पायर चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या क्वेश्चन कहता है आंसर दीजिए फटाफट आंसर दीजिए इसमें रिटायर्ड जज ऑफ कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस यहां पे देखो फिर इसने क्या लिखा कैन नॉट नहीं कर सकता ठीक है देखिए हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 होती है हाई कोर्ट वाला जज जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है क्योंकि उसकी एज क्या होती है वहां पे रिटायरमेंट की सिक्सटी ठीक है तो कैन नॉट प्रैक्टिस इन इन एनी हाई कोर्ट कर सकता है मतलब कर सकता है वो इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही रिटायर्ड बिल्कुल यहां पे नहीं कर सकता यहां पे वो नहीं कर सकता लेकिन किसी भी हाई कोर्ट में आगे प्रैक्टिस हो सकती है कभी भी कर सकता है क्लियर इन द सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकता है ऑल ऑफ द तो आएगा ही नहीं तो मतलब इसमें आंसर क्या बनने वाला है आपका वहां पर बी ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन बनेगा जहां से वो रिटायर्ड हुआ है वहां से जो है आपका वो पर्सन नहीं कर सकता ठीक है सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकता है बी ऑप्शन बनेगा इसमें करेक्ट वन बी ऑप्शन नेक्स्ट देखिए जी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है नॉट सिंपल नॉट सिंपल ये सिंपल नहीं है लेकिन काफी बच्चे गलत करेंगे द सन टेम्पल लाइज इन विच स्टेट यहां पे ध्यान रखने वाला क्या पूछा है उसने इट्स मोड्रा मोड्रा का सूर्य मंदिर पूछा है उसने सन टेम्पल का नहीं पूछा अगर वो कोनार्क का पूछ लेते तो वो तो आपका बन जाता उड़ीसा आंसर लेकिन यहां पे क्या पूछ लिया उसने मुधेरा और मोड्रा मोड्रा वर्ड पूछ लिया तो भाई वो कहां पर आपका दैट इज इन द गुजरात दैट इज इन द गुजरात ये आंसर यहाँ पे गलत लिख दिए गए हैं ऑप्शन यहां पे गलत लिख दिए गए हैं पर इसमें जाओ मत आपको सिर्फ आना है गुजरात के अंदर क्लियर हो गया सो so ये कहाँ पे है जी आपका गुजरात के अंदर ये ध्यान रखो भाई वही गलतियां करी जा रहे हो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि पेपर में नहीं गलतियां करनी क्लियर हो गया चलते हैं जी अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है तो पहले तो ये है जी टेंपल आपका ठीक है ये है आपका टेंपल क्वेश्चन एट द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व द रेजुडरी पावर इन रेजुडरी पावर जो होती हैं वो किसके पास होती हैं रेजुडरी पावर्स रेजुडरी पावर्स जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं देखिए जी ऐसी देखिए पहले बात तो तीन लिस्ट होती हैं आपकी एक होती है सेंटर लिस्ट एक होती है स्टेट लिस्ट एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसे आप संवर्ती सूची कहते हैं क्लियर सेंटर में सेंटर कानून बनाता है स्टेट में स्टेट कानून बनाता है कॉन्करेंट में सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं क्लियर हो गया एक होती है रेजुडरी पावर अवशिष्ट शक्तियाँ इसका मतलब क्या होता है कि ये वो शक्तियां हैं जो आपके सेंटर के पास पार्लियामेंट के पास होती हैं संसद के पास होती है क्लियर हो गया तो इसका मतलब आंसर इसमें क्या बनेगा इसमें पार्लियामेंट के पास होती हैं ये शक्तियां ध्यान रखना आंसर इसमें क्या बनेगा आपका पार्लियामेंट बनेगा नॉट यूनियन पार्लियामेंट के पास शक्तियाँ होती हैं क्योंकि पार्लियामेंट संसद इसके ऊपर कानून बना सकती है अब एक चीज़ ध्यान रखना है आपको सेंटर मैंने बोल दिया आपको यहाँ पे लेकिन सेंटर का मतलब यहाँ पे मेनली पार्लियामेंट से ही है क्लियर पार्लियामेंट के पास होती हैं अब एक चीज़ देखिए कोई भी चीज़ जैसे कि आपका साइबर लॉज होते हैं ठीक है साइबर लॉज होते हैं ये किसी भी लिस्ट में नहीं लिखा गया जब कल को कोई नई चीज़ ऐसे आ गई कि हाँ यार इसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए तो इनमें से हटा के वो किसी भी चीज में वो डाल सकते हैं ध्यान रखना ठीक है तो मतलब रेजुटरी पावर में वो चला जाएगा तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका पार्लियामेंट के पास संसद के पास जो है वो आपका रेजुडरी पावर चली जाएंगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन इज अगेन क्वेश्चन है पहला नेशनल पार्क हमारा देश का कौन सा था हमारे देश का पहला नेशनल पार्क तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हेलेस नेशनल पार्क भी इसको कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आंसर इज ए ऑप्शन काना कहां पे है एमपी के अंदर दुधवा उत्तर प्रदेश के अंदर राजा जी उत्तर प्रदेश के अंदर क्लियर हो गया आप लोगों को क्लियर हो गया आप लोगों को हाँ जी बहुत बढ़िया अच्छा राजा जी जो है उत्तर प्रदेश में ना होगे उत्तराखंड में है राजा जी उत्तराखंड में है ध्यान रखना राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है दुधवा लेकिन आपका कहाँ पे है बिल्कुल दुधवा जो है नेशनल पार्क कहाँ पे आपका डैट इज इन द यूपी हाँ उत्तर प्रदेश में ही है वो तो ध्यान रखना क्लियर हो गया जी सबको बहुत बढ़िया चलिए जी अगला चलते हैं तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है यानी सारे नेशनल पार्क अब आप कहेंगे सर इसमें तो दिखते ही नहीं है दिखेंगे भी नहीं आपको ठीक है दिखते हैं तो देखना पड़ेगा आपको थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं इंपॉर्टेंट तो यार सारी हैं कोई भी पूछा जा सकता है आपसे ठीक है यहाँ पे जैसे सरिसका जो है आपका राजस्थान में है डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है रनतम्बोर राजस्थान में है गिर नेशनल पार्क जो है आपका डैट इज़ इन दैट इज़ इन द गुजरात और उसके बाद वंसदा नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में है तो दोबा नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में है क्लियर और बहुत सारे हैं यार इसमें अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा जब आप एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो उसमें ही आपको देखना पड़ता है ये सारी चीज़ें जब आप एक्सप्लेनेशन में जाते हैं क्लियर <laughs> ठीक है जब आप एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तभी आपको पढ़ना पड़ता है चलो मैं यहाँ पे आपको बता दे बता सकता हूँ आपको जैसे यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है दिस इज द दुधवा नेशनल पार्क डैट इज इन द डैट इज इन द यूपी एंड जिम कॉर्बेट इज इन द जिम कॉर्बेट इज इन द जो है आपका उत्तराखंड के अंदर है क्लियर हाँ चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है हाँ हमारी क्लास डेली होती है सो so, लिखा है जी बागीरथी रिवर ओर ओरिजिनेट औरिजने, फ्रॉम बागीरथी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बागीरथी रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से करती है देखिए जी एक्चुअली क्या है बागीरथी अलकनंदा दोनों आगे मिलते हैं देव प्रयाग में फिर यहाँ से स्टार्ट होती है गंगा ठीक है तो हम कह देते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बन जाएगा ठीक है यहां पे आपको याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं यहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं ये वाले दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है तो ये मैं दिखा देता हूं पहले तो आप बताओ कि आपको दिख रहा है नहीं तो मैं इसको जूम करूं जूम कर देते हैं ये पता होना चाहिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर अब यहाँ पे क्या होता है ये सारी की सारी रिवर्स मिलती हैं कैसे अब यहाँ पे विष्णु प्रयाग है विष्णु प्रयाग विष्णु प्रयाग जो है आपका डेट इज द धोली गंगा और अलकनंदा जब मिलते हैं विष्णु प्रयाग बनता है फिर आपका अलकनंदा और नंद नंदाकनी रिवर मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है फिर आपका अलकनंदा और पिंडर रिवर मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है अलकनंदा मनक मंदाकनी जब मिलते हैं वो आपका मिलते हैं रुद्रप्रयाग में पिंडर और आपकी जो है ये पिंडर और अलकनंदा जो मिलते हैं तो आपका कर्ण प्रयाग बनता है देव प्रयाग बनता है आपका गंगोत्री ग्लेशियर से बागीरथी आती है और देव प्रयाग बनता है क्लियर हो गया आप लोगों को फिर यमुनोत्री से यमुना रिवर आती है वो साइड बाय साइड चली जाती है सो दिस इज सुपर वन दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया क्लियर हो गया आप लोगों को ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है दीज फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखने बहुत जरूरी है पांच प्रयाग हैं बिल्कुल ये पांच प्रयाग आपको पता होना चाहिए चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है ए चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स कैन बी डन बाई मतलब अगर हमने पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है चेंज करना है सेंटर स्टेट की तो वो कैसे किया जाएगा मैंने आपको अभी बताया था कि हम वो कैसे करते हैं अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके और डिस्ट्रीब्यूशन जब हम चेंज करेंगे पावर्स चेंज करेंगे आपकी स्पेशल मेजोरिटी से विशेष बहुमा से अंडर आर्टिकल थ्री के दौरान हम चेंज कर सकते हैं थ्री के दौरान तो सी ऑप्शन बनेगा अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है आपका पार्ट टेन ट्वेंटी के अंदर देखने को आपको मिलता है क्लियर और अच्छा एक चीज आपको और भी पूछी जा सकती है अगर सेंटर और स्टेट का कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो वो हमेशा जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट की ये कौन सी पावर आती है आर्टिकल वन थर्टी वन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वो पावर आती है ध्यान रखना है आपको क्लियर हो गया सो so आंसर इसमें क्या बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है 21 से 18 साल एज हो चुकी है हमारी वोट की लोकसभा और असेंबली के अंदर तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि वो कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग देखिए सारी अमेंडमेंट्स नहीं पढ़नी होती है आपको तो इसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट वाली याद करेंगे तो वो है आपका सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज की हुई है हमारा आर्टिकल नंबर थर्टी थ्री ट्वेंटी सिक्स के अंदर आता है जिसमें हम क्या कहते हैं राइट टू वोट जिसमें कोई भी बंदा जो है अठारह साल का कोई भी बंदा जो है अठारह साल का वोट कर सकता है क्लियर और इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए आर्टिकल टू फोर्टी थ्री ए से लेके ओ तक इसके आर्टिकल आते हैं उनतीस सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत पहली पंचायत जो राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट में और दूसरी आंध्र प्रदेश में चलाई गई थी तो ये आपको याद रखना है अगर आपसे स्कैड्यूल पूछा तो ग्यारहवीं अनुसूची में आता है और पार्ट पूछा तो पार्ट नौ में आता है क्लियर यहां रखिए सारे इंपॉर्टेंट हैं बी ऑप्शन इज द राइट वन बी ऑप्शन ये बताइए जी ये बताइए क्या बनेगा इसका आंसर इसका आंसर बताइए इसका आंसर बताना इसका आंसर बताना है सेंटर और स्टेट के अंदर सॉरी हमारा ये वाला क्वेश्चन तो हो गया अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है ये वाला 20 अगस्त 1917 को एक सुधारों की घोषणा के से नाम से जाना जाता है वो कौन सी घोषणा थी वो कौन सी घोषणा के नाम से हम जानते हैं <laughs> मैंने आपको हमेशा बात बोली है कि आपको आधी नॉलेज है क्योंकि आधी नॉलेज पता क्यों है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट नहीं देखते सिर्फ आप देखते हो कि आपको ना क्वेश्चन का मतलब वो दिख गया देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ काफ़ी जो बच्चे हैं बोलते हैं कि सर जो आप क्वेश्चन करवाते हो बहुत डिटेल में करवाते हो इतना हमें चाहिए भी नहीं होता मैं हमेशा आपको एक चीज़ बात बोलता हूँ कि अगर आपके सामने कॉन्सेप्ट है ना तो आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन हो आप निकाल दोगे यहाँ पे ध्यान रखिए क्वेश्चन ध्यान से बोल रहा है कि 20 अगस्त 1917 को जो आपकी डेक्लरेशन थी वो कौन सी डेक्लरेशन थी भाई वो आपकी मोन्टेक्यू जो है आपकी डेक्लरेशन थी ना के चैम्स फोर्ड।, फोर्ड रिफॉर्म थे मोन्टेक्यू चैम्स रिफॉर्म थे डेक्लरेशन जो थी वो मोन्टेक्यू डेक्लरेशन थी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है जिसमें वो बात करी थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की यहाँ पे बात करी गई थी जो बाद में जो रिफॉर्म हुए थे आपके 1919 के अंदर जो बाद में रिफॉर्म हुए थे 1919 के अंदर क्लियर जिसमें उन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करी थी आपकी प्रोविंशियल डे की बात करी थी ठीक है प्रोविंशियल डे आरकी मतलब शासन की बात करी गई थी तो ये जो है मेनली पहली बार कब हुआ था आपका 1917 के अंदर क्लियर आंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बन जाएगा समझ आया हाँ ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर मोन्टेक्यू डेक्लरेशन तो आपको बता दिया मैंने बाकी फिर मॉर्मे मिंटो रिफॉर्म आए थे आपको 1909 के आ, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात तो यहाँ पे करी गई थी तो आंसर इसमें ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका राइट right आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट वन कॉमनवेल्थ गेम जो है ये पहली बार जो है कहाँ पे हुई थी ये आपको बताना है ठीक है तो पहला बताना है कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुई थी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे आपका दिमाग ख़राब करने आएंगे तो उनकी बात के ऊपर ध्यान मत देना जिस दिन मेरा बर्थडे होगा जब जिस दिन कोई भी चीज़ होगी ना मैं खुद बताऊंगा आपको तो बाकी बच्चों की बातों के ध्यान नहीं देना आपका ध्यान भटकाने आए हैं वो क्योंकि आप पढ़ रहे हो समझ आया आज भी मैं आपको हंड्रेड कह रहा हूँ आज यूपी पी का पेपर है यूपी पी का ठीक है मेरे स्क्रीनशॉट देख लेना मैंने अभी पेपर चल रहा होगा अभी पेपर चल रहा होगा अभी बच्चों के मैसेज आएंगे देखना जब आपके शाम तक स्क्रीनशॉट जो है ना वो मेरे को आएंगे सर एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुआ सर जो आपने पढ़ाया वही आया सब बच्चों के मैसेज आएंगे मैंने तो किसी को बोला नहीं अभी मैं लाइव क्लास में बोल रहा हूँ तो ये स्क्रीन ना देखना आपके शेयर किए जाएंगे कहाँ पे टेलीग्राम पे मैं शेयर करूँगा ताकि आपको पता लगे कि आपकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो चुकी है ना उसको सही रास्ते पे आ जाओ ठीक है और इंस्टाग्राम पे भी मैं शेयर करूंगा और बात भी करूंगा बच्चों के साथ तो क्यों करूंगा एक्चुअली क्या कि आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कि आपको बहुत ऐसी मतलब कहते हैं ना डिस्ट्रक्टिव पावर्स होती हैं नेचर के अंदर जो आपको खींचती हैं कि नहीं पढ़ना नहीं है नहीं पढ़ना और ये बच्चे हैं ऐसे जो कहते हैं कि नहीं पढ़ना आपने क्योंकि वो नंबर लेना चाहते हैं वो याद है आपको चतुर याद है ना थ्री इडियट वाला चतुर वो ये हैं ये चतुर बनते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा तो आपको चतुर के पीछे कौन लेके आना है पता है ना आमिर खान आ जाना है आमिर खान मतलब दिमाग से पढ़ना है हमें हमें नहीं पढ़ना हमें पीछे नहीं चलना किसी के ध्यान रखना तो देखिए जी इसमें क्वेश्चन क्या है द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम जो हुई थी वो कहां पे हुई थी तो फटाफट -फड़ बताइए ये, ये है जी हैमिल्टन 1930 हैमिल्टन इज द करेक्ट आंसर ए ऑप्शन बनेगा राइट right आंसर यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं एशियन गेम से जो मुझे पता लग रहा था कि आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है एशियन गेम्स हुई थी आपकी 1951 में न्यू दिल्ली के अंदर ये ध्यान रखिए लेकिन यहां पे कॉमनवेल्थ गेम पूछा था नाइनटीन थर्टी हैमिल्टन इज द करेक्ट वन क्लियर ये ध्यान रखना है आप लोगों को क्लियर हो गया आप लोगों को हाँ तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बन जाएगा अब बात यहाँ पे यह है कि कॉमनवेल्थ के हेडक्वार्टर कहां पे है लंडन के अंदर लंदन के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं क्लियर लंदन के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं लंदन के अंदर दो हेड एक एक और याद रखो होता है एमनेस्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल इंटरनेशनल सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल पूछा जा सकता है आपको कि ये जो है किसके हेडक्वार्टर हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही है क्लियर ह्यूमन राइट्स के लिए दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन देखिए जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन है हम इमरजेंसी घोषित करते हैं आपातकालीन स्थिति अंडर आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति जिसमें आप जब आप राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति घोषित करते हो तो वो तीन रीजन के कारण हो सकती है आम ड्रबिलियन के कारण एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण वॉर के कारण ये तीनों पॉइंट बनते हैं लेकिन जो ये वर्ड है हटा दिया गया है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये वर्ड हमने चेंज कर दिया इस वर्ड के अंदर आम ड्रबिलियन के अंदर सशस्त्र विद्रोह के लिए तो आंसर इसमें अं क्या बनेगा जी आपका इसमें जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा थर्ड ऑप्शन बन जाएगा आंतरिक विद्रोह इज अ आंतरिक गड़बड़ी इज अ करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन बनेगा और जो हमारी इमरजेंसी होती है इसको घोषित कौन करता है पार्लियामेंट घोषित करती है और प्रेसिडेंट आगे बोल देते हैं लेकिन पार्लियामेंट घोषित कर दिया है और ये जो बिल पास होना चाहिए वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए दो बटा तीन से और नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम के लिए लगती है छः महीने के लिए लगती है सिक्स मंथ के लिए जो है हमारी एमरजेंसी लगती है समझ आया ठीक है और अगर हटानी हो तो एक महीने के अंदर अंदर बिल वो पास होना चाहिए एक महीने के बिल अंदर अंदर पास होना चाहिए तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका आंसर इज थर्ड ऑप्शन इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई वर्ड अब नहीं है चलिए जी मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है ये त्रिपुरी सेशन हुआ था आईएनसी का 1939 के अंदर ये एक हिस्टोरिक इवेंट है किसके लिए त्रिपुरी सेशन 1939 का मैंने आपको बताया था हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन दोनों में कौन जीते थे सुभाष चंद्र बोस लेकिन त्रिपुरी सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि त्रिपुरी सेशन के अंदर जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने किसको हराया था गांधी जी के नॉमिनीज को हराया था वो कौन थे पत्ता भी सीतारामैया को हराया था और त्रिपुरी सेशन में जब जीते थे तो गांधी जी के साथ डिफ्रेंसेज बढ़ने लग थे तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने नाइनटीन के अंदर क्लियर और इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है इंडियन स्ट्रगल नाम तो यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछ रहा है वो क्या है तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि हिस्टोरिक इवेंट क्यों है क्योंकि दिमाग में सारी चीजें होती जाएगी सही समझ आ गया तो आंसर इस वन ऑप्शन क्या बनेगा राइट right आंसर बनेगा ठीक है ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन देखिए चीज बताता हूँ लाइक लाइक वाइक मत वर्ड यूज किया करो लाइक like, वाइक like, जो होते हैं ना तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर के एंड में जाके कि किया करो अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं कभी भी ये नहीं कहता करो 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 अब अभी करो मुझे नहीं पता मैं तो, तो फिर आगे बढ़ूंगा मैं तो मर गया मैं तो पानी तब पीऊँगा ये चीज़ें नहीं होती ठीक समझ आया तो आपको पढ़ना है पढ़ना आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना आपको नहीं पढ़ना आप अच्छे के लिए पढ़ रहे हो बुरे के लिए पढ़ रहे हो आप अपने आप के लिए पढ़ रहे हो ठीक है तो कोई किसी के लिए नहीं पढ़ रहा यहां पे, तो ये आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन बन जाएगा क्लियर ए ऑप्शन इज द राइट वन अच्छा ये भी पूछा जा सकता है जब गांधी जी जब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने रिज़ाइन कर दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने रिज़ाइन कर दिया था ठीक है तो ये हैं सुभाष चंद्र बोस तो जब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था तो उनके इंटेरिम गवर्नमेंट में इंटेरिम आईएनसी सेशन के जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे अंतरिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस टाइम पे इंटेरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया था ठीक है समझ आ गया आप लोगों को यस समझ आ गया आप लोगों को तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका आ, मतलब सुभाष चंद्र बोस पत्ता भी सीताराम वाला आंसर था यहां पे देखिए जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई लाइक फाइक ठीक है पढ़ना पढ़ो नहीं पढ़ना ना पढ़ो आपके ऊपर होता है वो वाली बात नहीं है कि हाँ एक चम्मच से खिलाओ बेटा खा लो नहीं मैं नहीं खाऊंगा बेटा खा लो यहाँ पे नहीं है बेटा खा लो बेटा पढ़ना पढ़ो नहीं तो जाओ ठीक है भविष्य आपका है यहाँ पे बेटा बेटा नहीं होता बेटा सिर्फ उसके लिए होता है जो पढ़ता है और तभी वो उन बच्चों के ना आप मुझे काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर आप थोड़ा सा रूढ़ रहते हो ठीक है एग्ज़ाम ठीक है जिनके लिए अच्छा हूँ उन अच्छा हूँ जिनके लिए रूढ़ूँ रूढ़ूँ अगर टीचर रूढ़ रूढ़ होता है ना ठीक है तभी किसी बच्चे का भविष्य बन सकता है वो हो सकता है कि दिखाने के लिए आपको ऐसे हो लेकिन मिलने पे बोलने पे बात करने पे अलग हो ठीक है लेकिन सिर्फ अगर आप कहेंगे कि हाँ वो अगर रूड है तो आपके भविष्य के लिए रूड है ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा याद रखना चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए फतवा ए आलमगीरी जो बुक है ये आ, किस किंग के टाइम पे लिखी गई है ये भाई किसके ऊपर है औरंगजेब के ऊपर है तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा औरंगजेब को हम तीन दो नामों से और बुलाते हैं एक जिंदा पीर ठीक है और इसको इनको बुलाते हैं हम आलमगीर का टाइटल था इनको आलमगीर का टाइटल इन्होंने तब लिया था जब इसने अपने भाई दारा शेखों को मारा था बैटल ऑफ धर्मत में बैटल ऑफ धर्मत एंड समूगढ़ सिखा है सोलह में ध्यान रखना आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर ये आपका बनेगा सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर क्लियर हो गया सो यहां पे जो नादिर शाह लिखा हुआ है ये सत्रह में आया था कहां से ईरान से क्लियर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए एक क्वेश्चन आपके ऊपर है एक आप लिख के बताएंगे कि जो ना, नादिर शाह आया था ये किस किंग के टाइम पे आया था जो हमारा आ, मुगल एम्पायर था वो कौन सा एम्पायर था जो आ, जब नादिर शाह आया था और ये नादिर शाह हमारे यहाँ से क्या उठा के ले गया था पीकॉक थ्रोन पीकॉक थ्रोन जो म्यूर सिंहासन बनाया था शाहजहां ने एंड वन मोर इज जो आपका कोहिनूर हीरा वगैरह उठा के ले गया था फिरोज शाह तुगलक ये वो पर्सन है जिसने जजिया टैक्स लगाया था हमारे नॉन मुस्लिम्स के ऊपर क्लियर और इन्होंने एक लिखी थी आ, फतूहत ए फिरोज शाही फतूहत फतूहत ए फिरोज शाही ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी ठीक है टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान के कैपिटल श्रीरंगापट्टनम टीपू सुल्तान जो है इसको मारा किसने था वेले ने वेलस्ले ने मारा था ठीक है किसने मारा था वेलेसले ने मारा था ये आपको ध्यान रखना है ठीक है वेलसले ने मारा था और उसके बाद जो है आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है क्या कि जब वेलेसले ने टीपू सुल्तान को मारा था एंड वन मोर थिंग इज कि टीपू सुल्तान वेलेसले ने मारा था टीपू सुल्तान वॉज द मेंबर ऑफ द जैकोबियन क्लब जैकोबियन क्लब का मेंबर था ठीक है एंड दिस इज द फ्रेंच क्लब क्लियर एंड टीपू सुल्तान ने ट्री ऑफ लिबर्टी ट्री ऑफ लिबर्टी जो थी ये श्रीरंगापट्टनम में थी ये भी आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन औरंगजेब इज द करेक्ट वन सी ऑप्शन बनेगा राइट right आंसर बनेगा ठीक है यस सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन नेक्स्ट देखिए जी क्या कहता है इनमें से कॉम्यूनल uh, अवार्ड जो घोषित किया गया था 1932 के लिए उन्नीस uh, सौ में कॉम्यूनल अवार्ड जातिवाद के ऊपर अवार्ड था ये तो ये कौन से नाम से हम जानते हैं इसमें बोला गया था कि आपको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी सब लोगों को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन क्लियर तो यहाँ पे कम्युनल अवार्ड की बात हुई है सांप्रदायिक पुरस्कार की बात हुई है तो इसमें कौन से पर्सन थे वो तो वो थे जेम्स राम से मैकडोनल्ड आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा ही वॉज अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आंसर इज ए ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर इस चीज़ के चलते चलते गांधी जी ने क्या किया था जेल में उन्होंने भूख हड़ताल करी थी हंगर स्ट्राइक यहाँ पे तो मरने वाली हालत हो गई थी तभी आपका गांधी अंबेडकर पैक्ट साइन हुआ था 1932 में लेकिन साइनिंग अथॉरिटी इसमें कौन कौन है अंबेडकर जी हैं और मदन मोहन मालविया ने साइन किए थे अंबेडकर और मदन मोहन मालविया ने साइन किए थे लेकिन बोला गांधी अंबेडकर पैक्ट जाता है जिसमें रिजर्वेशन दी जाएगी आपकी दस Uh, दस साल के लिए ये आपको ध्यान रखना क्लियर और एजुकेशन नहीं था ये एजुकेशन तो लोगों ने स्टार्ट कर लिया था लेकिन एजुकेशन के ना रखे हुए इन्होंने किसके लिए किया था फॉर द फॉर द नॉट एजुकेशन फॉर द जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लियर सीटें वगैरह भी बढ़ा दी गई थी यहाँ पे आंसर इसमें ए ऑप्शन बन जाएगा गांधी जी ने यहाँ पे एक जेल में चलते चलते इन्होंने क्या किया था हरिजन हरिजन पेपर भी स्टार्ट कर दिया था और एक स्टार्ट किया था ऑल इंडिया एंटी Untouchability लीग ऑल इंडिया एंटी Untouchability लीग ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें इन्होंने स्टार्ट करी थी क्लियर हो गया आप लोगों को तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ए ऑप्शन चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है फटाफट आंसर बताइए क्या कहता है हां जी बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सबके आंसर सही सही आ रहे हैं इसका आंसर बताइए फटाफट बताइए इस बुक के ऑथर कौन है इनका नाम याद रखेंगे बस हम द वट वट हैपन जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है हिलेरी क्लिंटन द्वारा बस इतना ही याद रखेंगे ज्यादा हम नहीं ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है तो बस इतना याद रखेंगे हिलेरी क्लिंटन जी द्वारा बुक लिखी गई थी ये वट है चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है क्वेश्चन है हमारा फाइनेंस कमीशन बनता है राष्ट्रपति बनवाते हैं हर कितने साल बाद हर कितने साल बाद फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 इसका काम क्या होता है सेंटर और स्टेट में पैसा डिवाइड डिवाइड करना चाहे वो टैक्स हो चाहे वो ग्रांट्स हो चाहे कुछ भी हो पैसा डिवाइड करना सेंटर और स्टेट में क्लियर नाइनटीन में ये बना था और ये हर पाँच साल बाद बनाया जाता है आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा और अभी हमारा फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन चल रहा है फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है एन के सिंह एन के सिंह एक क्वेश्चन और, और नोट डाउन करो एक क्वेश्चन और नोट डाउन करो कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनका टाइम क्या है टाइम पीरियड कब तक कब से कब तक ये अपॉइंट है और कब से कब तक इन्होंने रिकमेंडेशन दी हुई है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे नहीं पता तो एक क्वेश्चन लिख लो साइड पर अपना कि इसको मैंने लिखना है गूगल करके चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है क्वेश्चन है आइलैंड कंट्री फिजी जो है वो कहां पे है आइलैंड कंट्री फिजी जो है वो कहां पे है कौन से महासागर में है कौन से जो है आपके ओशन में है बताइए जी फटाफट तो ये आपको लोकेशन दिखाता हूं पहले आपको तो यहां पे क्या है जी आपका फिजी सो दिस इज द फिजी और ये कहां पे है देखो पैसिफिक ओशन में कहाँ पे पैसिफिक ओशन में जाने के प्रशांत महासागर में है क्लियर हो गया आप लोगों को तो यहाँ पे चलते हैं जी आंसर लगाते हैं तो आंसर इसमें प्रशांत महासागर इज द करेक्ट आंसर क्लियर पैसिफिक ओशन जो है सबसे लार्जेस्ट ओशन है आपका सबसे बड़ा और इनकी जो ट्रेंच है मरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट वाली है मरियाना ट्रेंच क्लियर अटलांटिक महासागर जो है आपका सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशन है सबसे बिजिएस्ट ओशन है इंडियन ओशन जो है आपका इसमें सेलिनिटी है थर्टी फाइव ग्राम और हमारी सेलिनिटी कितनी चाहिए होती है समुद्र के अंदर पैंतीस ग्राम ही चाहिए होती है और वो एग्जैक्ट किसकी है इंडियन ओशन की है तो ये याद रखने हैं आपको तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर प्रशांत महासागर इज द राइट वन क्लियर चलिए जी अगला अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मसल होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मसल होती है वो होती है आपकी मसेटर ये मसेटर मसल कहाँ पे होती है ये मसेटर मसल होती है यहाँ पे यहाँ पे हमारे चीक्स के ऊपर यहाँ पे ठीक है दैट इज कॉल्ड जॉ जॉ मतलब जबड़ा आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बी ऑप्शन क्या बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल पूछा है मजबूत मांसपेशी आंसर इज बी ऑप्शन क्लियर तो आपको दिखाता हूं ये है आपकी मसैटर मसल सो दिस इज द मसैटर मसल दिस वन दिस इज द मसैटर मसल क्लियर द स्ट्रॉगेस्ट मसल इन द बॉडी जॉ मसल भी इसको कहते हैं चलिए जी अगला क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन है हम्म इनमें से कौन सा चीज जो है पार्ट फोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपकी ऐड नहीं करी गई थी कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बयालीसवें संशोधन के अकॉर्डिंग ऐड नहीं करी गई थी ये बात करता है बयालीसवें संशोधन के अनुसार कौन सी चीज़ इसमें ऐड नहीं करी गई थी क्वेश्चन ध्यान से समझना है नॉट इंसर्टेड इन द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट कि कौन सा जो चीज़ है बयालीसवें संशोधन द्वारा ऐड नहीं करी गई ठीक है मैं आपको बता देता हूं पहले इसका इसके सारे वर्ड के मतलब क्या हैं तो फिर हम उसके बाद देखेंगे ठीक है तो ये आपको देखना है कैसे देखिए जी जो फ्री लीगल एड है आपकी एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये आर्टिकल थर्टी नाइन ए के अंदर लिखा गया है ये वाला पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स ये जो है मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कॉपरेटिव सोसाइटीज के लिए बात करता है यहाँ पे तो ये आपका लिखा हुआ है फोर्टी थ्री बी के अंदर क्लियर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट ये आपका किस में लिखा गया है फोर्टी एट ए में लिखा गया है ठीक है और फिर लिखा हुआ विलेज पंचायत विलेज पंचायत लिखा गया है आर्टिकल फोर्टी के अंदर अब आप एक चीज़ देखिए जब आपके सब सेक्शन होते हैं ना ए बी सी करके वो हमेशा एक अमेंडमेंट के दौरान ही लिखे जाते हैं ऐसे नहीं हो सकता कि वो पहले हो अगर मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि जब सब सेक्शन आते हैं जैसे थर्टी नाइन ए फोर्टी थ्री बी फोर्टी एट ए ये अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ही ऐड किए गए होंगे

यस yes. चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो जी फटाफट -फड़. टिक करो फटाफट -फड़ इसका आंसर द टेंथ स्कड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दसवीं अनुसूची किसके लिए डील करती है देखिए हमारी अनुसूचियां कितनी थी पहले आठ थी फिर कितनी होगी बारह ठीक है अब करंट में बारह ही है आठ से बारह चेंज हुई जब संविधान बना था तो आठ थी अब दसवा स्केड्यूल किसके बारे में बात करता है वो दल बदलने के विरुद्ध कानून के बारे में बात करता है दोष के ऊपर बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ इसको कहते हैं टेंड्यूल को क्लियर दल बदलने के विरुद्ध कानून सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा ऐड किया गया था यह भी आपको याद रखना है क्लियर फिर लिखा हुआ है हमारा इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, ये सारे आर्टिकल्स आपको याद कर लेने हैं आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट वन क्लियर ए ऑप्शन इज करेक्ट वन चलिए जी अगला बताइए महात्मा गांधी जी ने पहला टेक्निक जो है सत्याग्रह की हमारी कौन से सत्याग्रह में यूज करी थी पहली बार पहली बार महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की टेक्निक अपनाई थी कहां पे? चंपारण सत्याग्रह में चंपारण आपका कहां पे है बिहार के अंदर है इंडिगो कल्टीवेशन के लिए आपके नील की खेती के लिए यह विद्रोह था और इसमें महात्मा गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला के कारण आए बुला के लेके आए थे और गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रह किया था और इस सत्याग्रह को आप तीन कथिया लगान भी तीन कथिया जो है आपका विद्रोह भी आप इसको कहते हो इंडिगो कल्टिवेशन के लिए था खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा कहाँ पे है गुजरात के अंदर है खेड़ा इज इन द गुजरात और ये जो था क्रॉप टैक्सेशन के लिए था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये हंगर स्ट्राइक थी गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक एंटी रोलट एक्ट एजिटेशन कुछ भी नहीं था इन्होंने जलेवाला वाला बाग के लिए इन्होंने अपना जो रिवोल्ट मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर स्टार्ट करी थी एन स्टार्ट करी थी उन्होंने क्लियर और वो भी रॉलट एक्ट के अगेंस्ट नहीं जले वाला बाग के अगेंस्ट करी थी इन्होंने सो so ये आपको पता होना चाहिए आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा चंपारण सत्याग्रह सो so दिस इज द चंपारण सत्याग्रह इसमें ऐसे गांधी जी को बुलाने लेके गए थे नेक्स्ट बताइए जी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है लेकिन आप कंफ्यूज हो गए इसमें अगर ढंग से सुनोगे समझोगे तो आप आंसर निकाल लोगे अगर इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझोगे ना तो आप निकाल लोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे ओल्डेस्ट सबसे ओल्डेस्ट सबसे पुरानी जो है श्रृंखला भारत में कौन सी है इसमें बताइए जी कौन सी है इसमें सबसे पुरानी श्रृंखला है आपकी अरावलीज आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा अरावलीज द करेक्ट आंसर क्योंकि को हम बोलते हैं द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है गुरु शिखर क्लियर वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट को हम और क्या कहते हैं सहादरी और ये होता है वेस्टर्न घाट ये वाला पार्ट ठीक है यहाँ पे और यहाँ पे जब बारिश होती है वो कौन सी करती है साउथ वेस्ट मॉनसून जो पर्वतों से टकरा के बारिश होती है उसको हम क्या कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है याद रखिए नीलगिरी माउंटेन्स ब्लू माउंटेंस कहते हैं और ब्लू माउंटेन्स जहाँ पे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट मिलते हैं उसको कहते हैं नीलगिरी सतपुड़ा विंध्याज और सतपुड़ा के बीच में आपकी आती है रिफ्ट वैली कौन बनाता है नर्मदा रिवर नर्मदा रिवर इसको बनाती है ध्यान रखिए और हिमालय आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इसको कहा जाता है सो so आंसर इसमें क्या बन जाएगा आपका बी ऑप्शन बन जाएगा अरावलीज इज़ द करेक्ट आंसर अरावलीज सो so यहाँ पे है जी आपकी अरावली रेंज दिस इज द अरावली रेंज क्लियर और यहाँ पे आपके जो है, आपके हैं आपके रेंजेज हैं यहाँ पे बाकी रेंजेस मिलती हैं और डेट इट इतना याद रखो अरावलीज इसकी सबसे ऊँची चोटी क्या है गुरु शिखर ठीक है और यहाँ पे आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न का नीलगिरी माउंटेन्स क्लियर चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सी ऐसी जो रिवर्स हैं कौन सी ऐसी रिवर कौन सी ऐसी जो आपकी हिमालयस की प्लेन है जो इनमें से आपके पैरल नहीं होती हिमालय की तीन समानांतर श्रेणियों में इनमें से कौन सी नहीं है नहीं पूछ रहा है ध्यान रखिए ठीक है तो इसमें देखिए जी क्वेश्चन देखिए ध्यान से इसमें तीन रेंजेस हैं कौन कौन सी जो बाहर वाली होती है उसको हम ग्रेट हिमालयस रेंज कहते हैं बीच वाली को जिसमें मैं ग्रीन कर रहा हूं तो ये आपकी लेसर हिमालयस होती है और फिर इधर बिल्कुल एंड में जो आपकी होती है वो शिवालिक रेंज होती है ये आपको ध्यान रखना है ग्रेट हिमालयस लेसर हिमालयस और शिवालिक रेंज क्लियर तो ध्यान रखिए तो यहाँ पे क्या है ग्रेट हिमालयस एंड हिमाचल एंड शिवालिक हिमाद्री तो इसमें कौन सी रेंज नहीं है भाई हिमशिखा नहीं होती सो so आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर हिमशिखा नहीं होती आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये हिमशिखा इज द करेक्ट आंसर आंसर इज वन ऑप्शन ये क्वेश्चन देखो ऐसे पेपर में थोड़े से बाउंसर आते रहते हैं पेपर में ठीक है बट आपको पढ़ना है दत्तू इट्स दत्तू बोकानाल जो है ये कौन सी खेल के साथ संबंधित है बस आपको याद करो यार ये रोइंग के साथ संबंधित है रोइंग ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में तो ये है जी रोइंग बोकानाल जी क्वेश्चन क्वेश्चन है पंचायत जो होती है वो कितने टाइम बाद चुनी जाती है कितने टाइम बाद चुनी जाती है मैंने आपको बताया था 243 से लेकर ए से लेकर ओ तक आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में है आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है तिहत्तरवा संशोधन के अकॉर्डिंग ऐड किया गया था जिसमें आपके ट्वेंटी नाइन सब्जेक्ट होते हैं जिसपे आप कानून बना सकते हैं तो ये कितने साल बाद बनती है ये आपको पूछा गया है बताइए कितने साल बाद जो है ये बन सकती है बिल्कुल जी बिल्कुल हर पाँच साल बाद आंसर इसमें क्या बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन क्या बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा हर पांच साल बाद ठीक है हर पांच साल बाद चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान से समझिए क्या कह रहा है इसमें बोल रहा है कि गैस से गैस से वो क्या बन गया लिक्विड बन गया अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या मतलब होता है आप पानी पीते हो ठीक है गिलास है गिलास के अंदर ठंडा पानी है अब तो ठंडा पानी जो है बंद हो गया होगा वैसे तो ठीक है चलो फिर भी ठंडा पानी है तो क्या होता है बाहर गर्मी पड़ रही है और पानी ठंडा भी रहे हो तो हवा आती है एयर आती है यहाँ पे आती है और यहाँ पे क्या बनने लग जाते हैं ड्रॉपलेट्स बनने लग जाते हैं क्या ड्रॉपलेट्स इस तरीके से क्लियर और इन ड्रॉपलेट्स के बनने के प्रोसेस को आप क्या कहते हो कंडेंसेशन कहा जाता है दैट इज संगरहन कहा जाता है सो so आंसर इसमें बी ऑप्शन बन जाएगा संगरण कहा जाता है नॉट ट्रांसफॉर्मेशन इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन संगरण कहते हैं बी ऑप्शन इवेपोरेशन का मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी कूलिंग इफेक्ट का क्वेश्चन आएगा चाहे आपका जैसे घड़े में पानी पीते हैं तो ठंडा हो जाता है ठीक है या फिर आप कह सकते हो कि बाहर हमने कपड़े रखे थे ठंडे से हो गए हैं ठीक है पसीना आया हुआ है आप एसी के अंदर चले गए पंखे के अंदर चले गए तब भी आपको ठंड लगती है तो ये सारे प्रोसेस आपके इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट आते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका कंडेंसेशन इस तरीके से प्रोसेस चलता है ये गैस है गैस में लिक्विड बन गया गैस से लिक्विड बना तो कंडेंसेशन कहते हैं ठीक है गैस से लिक्विड बना तो कंडेंसेशन कहा जाता है हा ठीक है तो गैस से लिक्विड बना तो कंडेंसेशन कहते हैं और जो गैस से लिक्विड बना लिक्विड से गैस बना तो आपका वेपराइजेशन कहते हैं गैस से आपका सॉलिड बना सीधा लिक्विड स्टेज आई नहीं है तो उसको सब्लिमेशन कहा जाता है सॉलिड से लिक्विड बना तो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं लिक्विड से सॉलिड बना उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है गैस से प्लाज्मा बन गया तो उसको आयोनाइजेशन कहते हैं प्लाज्मा से गैस बन गया रिकॉम्बिनेशन कहते हैं क्योंकि चार स्टेट है आपकी लिक्विड की मतलब किसी भी चलिए हा क्वेश्चन है यह क्वेश्चन हाँ। भी आप हो सकता है गलत करें लेकिन करना नहीं है आपको ध्यान से समझ के करना है क्वेश्चन है केसर हिंद का गोल्ड मेडल मिला था ब्रिटिश वायसराय के अंदर और जो है कर्जन ने दिया था किस पर्सन को दिया था किस पर्सन को जो है ये जो है आपका केसरी हिंद का गोल्ड मेडल मिला था बताइए जी बताएंगे आप ये क्या आंसर बनेगा हम्म बहुत बढ़िया तो इसका आंसर है <coughs> राजा रवि वर्मा राजा रवि वर्मा इज द करेक्ट वन क्लियर राजा रवि वर्मा इज द राइट वन राजा रवि वर्मा ठीक है राजा रवि वर्मा कौन थे पेंटर कौन है ये पेंटर है ये आपको ध्यान रखना है क्लियर और यहां पे लिखा हुआ अभेंद्रनाथ टैगोर अभेंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी भारत माता की पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंदालाल बोस नंदालाल बोस जो है ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर जो है ये पहले स्कॉलर बने थे जिनको जिनको जो है पहली बार स्कॉलरशिप मिली थी नंदालाल बोस जी को तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी ए ऑप्शन बनेगा राजा रवि वर्मा तो ये है जी राजा रवि वर्मा जी राजा रवि वर्मा जी नेक्स्ट कौन से ईरा को हम बोलते हैं एज ऑफ मैमल ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो आपको सिर्फ याद रखने होते हैं क्योंकि मैं ही आपको ऐसे क्वेश्चन करवाता हूं ठीक है कि आपको अगर फंस गए ना कहीं पे तो आपको निकलना है वहां से तो इसको आंसर याद करेंगे ज़्यादा क्योंकि ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये स्तनधारियों की एज को कौन सी एज कहा जाता है बस आप याद करोगे सिनोजोईक कहा जाता है बस इतना याद करना है आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप एजिस पढ़ने लग गए ना तो बस फिर तो हो जाएगा काम सिनोजोइक ईरे इसको कहा जाता है आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा सिनोजोइक एरा हम्म क्लियर तो देखो जी ये हाथी हमारे ऐसे दो सूंड ऐसे दांत वगैरह अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ये जो हाथी के एक बड़ा सारा दांत होता है चलो अब यहाँ पे तो दो दिख रहे हैं बट बड़ एक बड़ा दांत होता है ऐसे बाहर को निकला हुआ वो क्या होता है वो होता है सेकेंड इंसीजर क्लियर ध्यान रखना और एक आ, शेर के निकला होता है लाइन के लाइन के बड़ा दांत निकला होता है वो होता है कैनाइन वो होता है कैनाइन याद रखना है देखिए जी नेक्स्ट वर्ल्ड ओजोन डे हम कौन सी सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं कौन सी सितंबर को 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को 36 सिक्स ईयर हो चुके थे हमारे वो ओजोन के अभी ओजोन जो है कौन सी लेयर में मिलती है स्टेटोसफियर में समताभ मंडल में क्लियर और यहाँ पर समताभ मंडल में चलते हैं जेट प्लेन्स ओजोन जो है हमें बचाती है यू रे से सबसे कई कौन सी डेंजरस होती है यू सी इज़ अ डेंजरस वन क्लियर सोलह सितंबर ये है जी ये पिछले साल का है ठीक है Uh, मतलब अभी साल का है पैंतीस साल जो है हमारे ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के हो चुके हैं छत्तीसगढ़ चल पड़ा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है आपका ये कौन से गेम के साथ संबंधित है सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है टूर्नामेंट संबंधित किसके साथ है बताएंगे आप लोग ये है हॉकी के साथ हॉकी के साथ संबंधित है आंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा यस डी ऑप्शन बनेगा सो so ये है जी आपका हॉकी के साथ संबंधित है सुल्तान ऑफ जौहर कप और ये कौन है किरण रिजिजू किरण रिजिजू जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं नेक्स्ट देखिए जी क्या कहता है क्वेश्चन uh, है हाँ अगर आप किसी की फोन कॉल को टैप करते हो ठीक है तो उसमें आपका फंडामेंटल राइट right आपका छीना जा रहा है तो ये कौन सा फंडामेंटल राइट आपसे छीना जाता है ठीक है मतलब क्या है कि आपका फंडामेंटल राइट right को आप उल्लंघन कर रहे हो किसी को किसी के फ़ोन कॉल को ऐसे टैप करके तो आपका कौन सा आर्टिकल में आता है ये आपका भाई राइट टू लाइफ में आता है आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंदर आता है राइट टू प्राइवेसी के अंदर आपको मिलता है आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा वन ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर आर्टिकल ट्वेंटी वन पच्चीस नंबर आपका रिलीजन वाला होता है बाईस नंबर आपका जो है फ्रीडम वाला पार्ट है चौबीस वाला आपका एक्सप्लाइटेशन वाला पार्ट है चौबीस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर जो है हम चाइल्ड लेबर वगैरह नहीं करवा सकते चाइल्ड लेबर के लिए स्पेसिफिकली आर्टिकल नंबर चौबीस आंसर इसमें क्या बनेगा ट्वेंटी right के अंदर देखने को आपको मिलता है ट्वेंटी वन नंबर आर्टिकल यूरोपा इज अ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ यूरोपा जो है वो किसकी नेचुरल सेटेलाइट है बताएंगे इसमें यूरोपा जो है वो किसकी नेचुरल सेटेलाइट है यस yes. जुपिटर बृहस्पति की और इसकी एक सैटेलाइट है सबसे बड़ी जैसे हम कहते हैं गैनी मीड जो है वो सबसे बड़ी सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सोलर सिस्टम की सैटेलाइट है और इसके टोटल सैटेलाइट कितने हैं सेवेंटी नाइन सबसे ज़्यादा एटी टू सेटन की हैं शनि की और शनि की सबसे बड़ी सैटेलाइट है टाइटन क्लियर याद रखना मार्स की है फोबोस और दिमोज ये ध्यान रखना है आप लोगों को मार्स को हम और क्या कहते हैं रेड प्लानट लाल ग्रह और यूरेनस और वीनस जो होते हैं वो एक डायरेक्शन में घूमते हैं बाकी सारे एक डायरेक्शन में ये उल्टे डायरेक्शन में घूमते हैं तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका जुपीटर इज द करेक्ट आंसर जुपीटर क्लियर सो so, जुपीटर इज द करेक्ट वन बृहस्पति इज द राइट वन सो ये है भाई आपके सेटेलाइट सिस्टम जो आपको पता होना चाहिए ठीक है ये आपको पता होना चाहिए ये मून है आपके आ, किसके डैट इज द जुपिटर के ये टाइटन है आपका टाइटन मैंने आपको बताया था किसका है टाइटन इज द दैटन कैलिस्टो और ये आपका आईओ डैट इज द मून यूरोपा मून आ, किसका है ये जुपीटर का है क्लियर सो ये आपको पता होना चाहिए दीज आर इंपॉर्टेंट वन चलिए जी क्वेश्चन है कितने मेंबर चुने जाते हैं राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर चुने जाते हैं राज्यसभा के अंदर यू, यूपी स्टेट से यूपी स्टेट से कितने लोग चुने जाते हैं थर्टी वन राज्यसभा में थर्टी वन मेम्बर चुने जाते हैं थर्टी वन क्लियर थर्टी वन इज़ द करेक्ट आंसर और वहाँ पे लोकसभा में अस्सी सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं सिक्किम में सबसे नंबर कम होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों में सिक्किम के अंदर सिक्किम हमारी पहली ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम हमारी पहली ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट है ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट है क्लियर आंसर इसमें थर् थर्ड ऑप्शन बनेगा थर्टी वन इज़ द करेक्ट आंसर राज्यसभा के अंदर टोटल सीटें कितनी हैं मैक्सीम पूछा तो टू फिफ्टी हैं एट प्रेजेंट टू फोर्टी फाइव हैं टू थर्टी थ्री और बारह टू थर्टी थ्री जो है इंडारेक्ट इलेक्टेड होकर आते हैं स्टेट लेजिस्टिव असेंबली जो है इनको चुनते हैं यानी कि एमएलए वगैरह चुनते हैं बारह होते हैं नॉमिनेशन किस किस फील्ड से आ, किस किस फील्ड से होते हैं एक होते हैं आपके आर्ट से लिटरेचर से साइंस से और सोशल सर्विस से ठीक है यहां से जो है बारह लोग नॉमिनेटेड किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा ठीक है तो ये ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है क्लियर हो गया आप लोगों को थर्टी वन इज द करेक्ट वन चलिए जी ब्रेड बास्केट किसे कहते हैं ये एक मतलब नाम दिया गया है ब्रेड बास्केट ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है ये टैग इसको मिला हुआ है पंजाब स्टेट को मिला हुआ है क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैसे प्रोडक्शन में आपका नाम इनका आता है वैसे तो यूपी स्टेट का भी आता है लेकिन ब्रेड बास्केट बोला जाता है किसको दैट इज द पंजाब स्टेट को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मैनुफैक्चरिंग ग्रोथ इंडस्ट्रीज हैं आपकी और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग परफॉर्मर हैं यहाँ पर ठीक है क्लियर हो गया आप लोगों को तो आंसर इसमें पंजाब इज द करेक्ट आंसर ए ऑप्शन बनेगा राइट वन तो ये है जी पंजाब स्टेट पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ और इस टाइम पे जो है अमरिंदर सिंह इज द सी एम तोलका पी आर इज़ ए फेमस एशियंट ग्रामेरियन ऑफ किसका ग्रामेरियन है तोलका पी आर तोलका पी आर जो है इन्होंने पहली बार लिखी थी तमिल लिटरेचर लिखा था पहली तमिल लिटरेचर इन्होंने लिखा था और उसका नाम का नाम था तोलका पीएम सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तमिल लिटरेचर के अंदर आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा क्लियर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि संगम एज क्या होती है संगम एज होती है द द मीटिंग ऑफ द तमिल पॉइंट तमिल कवियों का संगम इज कॉल्ड संगम एज आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा तमिल इज द करेक्ट आंसर आंसर इज वन ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट वन ये है जी तोलका पी जिन्होंने तोलका पीएम लिखी थी तमिल लिटरेचर नेक्स्ट देखिए जी क्या कहता है बताइए फटाफट इट्स की ठीक है ये एक बुक लिखी गई है ये किसने लिखी है किसने लिखी हुई है ये बुक बताइए जी फटाफट बताइए ये बुक है सलमान रशीद जी की सलमान रशीद जी की तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा सीधा आप आंसर टिक करेंगे सो ये है जी सलमान रशीद नेक्स्ट कौन सी ऐसी डिजीज़ है कौन सी ऐसी बीमारी है जो वर्ल्ड वाइड हमने खत्म कर दी है वर्ल्ड वाइड ख़त्म कर दिया पूरे संसार में हमने खत्म कर दिया बीमारी को ख़त्म कर दिया है डैट वॉज द स्मॉल पॉक्स चेचक चेचक को हमने ख़त्म कर दिया था चेचक को और किसने किया था जी बीमारी मेडिसन एडवर्ड जीनर ने एडवर्ड जीनर जी ने ये वैक्सीन ढूंढी थी तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दिस इज इम्पॉर्टेंट क्लियर ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है जी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है तो बुक किसने लिखी है ये गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स बैटर आंसर टू आवर बिग्गेस्ट प्रॉब्लम्स ये जो बुक लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है बताइए जी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये अभिजीत बेनर्जी द्वारा लिखी गई है आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा नोबल लॉरियट है ये सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर ठीक है जी सी ऑप्शन बनेगा राइट वन सी ऑप्शन ये भी नॉबल ऑरियट है सेन भी नॉबल ऑरियट है और इनको मिला था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए उन्नीस में पहला इकोनॉमिक्स अवार्ड हमारे इंडियन को सेन जी को मिला था तो ये है जी गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स बेटर आंसर टू अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम अभिजीत बेनर्जी एंड ईशर दफलो के द्वारा लिखी गई है ये बुक नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी बताइए फटाफट फड़ इसका आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन है पिट ड्वेलिंग साइंस गड्ढे पुरातत्व स्थल पर गड्ढे के निशान देखने को आपको मिले हैं ये कहाँ पे देखने को मिले हैं ये जम्मू एंड कश्मीर का एक पार्ट है जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है एंड डैट इज कॉल्ड बुर्जहोम आंसर इसमें क्या बनेगा बुरजहोम इज द करेक्ट आंसर आंसर इज बी ऑप्शन बूडजम के अंदर जो लिखे गए हैं आपके पिट ड्वेलिंग के साइन देखने को मिले हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर है और यहाँ पे आपको कल्टीवेशन के साइन देखने को आपको मिले हैं डेट इज़ द मतलब राइस का मतलब यहाँ पे बीट और मेज गेहूँ और जों के साइन देखने को आपको मिले हैं क्लियर और एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है राइस का राइस के निशान हमें मिले दो जगह के ऊपर रंगपुर और लोथल क्लियर ध्यान रखना आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन बुरजहम इज द करेक्ट आंसर और अच्छा एक चीज आपको मैंने बताई हुई है जम्मू एंड कश्मीर खास करके कश्मीर कश्मीर की हिस्ट्री किसने लिखी थी राज तरंगनी बुक के अंदर लिखी गई है राज तरंगनी और यह राज तरंगनी बुक किसकी है कलहन की ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर ये है जी आपके पिट डुवेलिंग साइंस ये है आपके ठीक है ये है आपका कहां पे

सैटन और आपका यूरेनस एंड वन इज अ नेपच्च्यून ये चार होते हैं मार्स जो होता है मंगल ग्रह ये इनर प्लानट है रॉकी प्लानट है टेरिस्ट्रल प्लानट है टेरिस्ट्रल का मतलब जहाँ पे धरती है रॉक का मतलब जहाँ पे पर्वत पहाड़ हैं इनर मतलब अर्थ के नज़दीक है तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका मार्स इज़ द करेक्ट आंसर मंगल ग्रह जो है आपका ये जोवन ग्रह नहीं है जोवियन ग्रह नहीं है बाहर वाला ग्रह नहीं है आईसी जैन नहीं है तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा मंगल ग्रह इज़ द करेक्ट वन ये है जी आपके जोवियन प्लानट जुपीटर हो गया सैटन हो गया यूनस हो गया नेपच्चून हो गया क्लियर ये है जोवियन प्लानट और यहां पे रिंग किस में देखने को मिलती है सेटन में शनि ग्रह में नेक्स्ट बताइए जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन बोलता है जो करंडम है ये किसकी ओर है ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था अभी करंडम जो ओर किसकी है एल्युमिनियम की आंसर इसमें फोर ऑप्शन बनेगा और एल्युमिनियम की एक और बताई थी मैंने बॉक्साइड एल्यूमिनियम जो है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल है मेटल जो है सबसे ज़्यादा मेटल ये मिलने वाला है क्लियर कॉपर जो है आपका बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का और uh, so, सबसे ज़्यादा जो है सिल्वर होता है लेकिन सिल्वर ना यूज़ करके हम दूसरा यूज़ करते हैं कॉपर यूज़ करते हैं क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट वन सेकेंड बेस्ट इज कॉपर आयरन की ओर याद कर लो हेमेटाइट है लेमनाइट है साइडराइट है आयरन पायराइट आयरन पायराइट बहुत बार पूछा जाता है इसको हम कहते हैं फूल्स गोल्ड एफ ई एस टू क्लियर ये याद रखना हेमेटाइट लेमनाइट साइडाइट मैग्नेटाइट ये दीज आर द ओर्स ऑफ द आयरन क्लियर और दूसरी धरती के अंदर मिलने वाली दूसरे नंबर पे मेटल कौन सी है वो आयरन होती है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका एल्यूमिनियम इज़ द करेक्ट आंसर आंसर इज़ फोर्थ ऑप्शन फोर ऑप्शन बनेगा राइट right वन तो ये है जी आपके मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सारी ओर जो मेन मेन है आपको याद करनी है ये आपके जो मिनरल्स की हैं आयरन की ओर हैं हेमेटाइट का सिंबल याद कर लो एफ है मैग्नेटाइट का भी याद कर लो एफ है लेमेनाइट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक मैंने आपको आयरन पायराइट याद करवाया है एफ बस ये तीन याद कर लो और उसके बाद लिखा हुआ है कॉरडम ए एल टू ओ थ्री है और इसके बाद लिखा हुआ है बॉक्साइड बॉक्साइट का भी याद कर लो ए एल टू ओ थ्री डॉट टू एस टू हो तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन क्लियर दिस इज इंपॉर्टेंट वन जी आपको पता होना चाहिए क्लियर हो गया आप लोगों को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया इसको ताकि आपको पता लग जाए क्लियर क्लियर हो गया आप लोगों को ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए समझ आ गया जी चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है कौन सी नोबल गैस नहीं है नोबल गैसेज जो होती हैं वो टेस्टलेस होती हैं ऑर्डरलेस होती हैं मतलब उसमें स्मेल वगैरह भी नहीं आती टेस्ट भी नहीं आता ठीक है और इसमें से जो नोबल गैसेज होती हैं वो ये वाली होती हैं ये वाली लास्ट वाली ओहो ये लास्ट वाली होती हैं ठीक है ये लास्ट वाली होती है ये वाली लास्ट वाली दी ज्यादा हीम नियोन आर्गन क्रिप्टन जीनोन क्लियर रेडॉन वगैरह ये सारी होती हैं और ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इधर वाले क्लियर और ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस हैं ये वाले क्लियर हैलोजन वगैरह सो यहाँ पे देखते हैं जी पहले क्वेश्चन तो इनमें से कौन से नोबल गैस नहीं है नियोन होती है हीलियम होती है आर्गन होती है कौन सी नहीं है हाइड्रोजन इज नॉट द आपकी नोबल गैस तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो आपका एस ब्लॉक में आता है क्लियर हो गया आप लोगों को तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बन जाएगा हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर हाइड्रोजन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस कौन सा होता है आपका दैट इज फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव चलिए जी क्वेश्चन बोलता है आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को इंटीग्रिटी रखने के लिए मतलब इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है आपका बांध के रखने के लिए इनसे इनमें से कौन सी जो है आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है बताइए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को बांध के रखने के लिए अगर कोई थ्रेट आता है वो और प्लस इंप्लीमेंटेशन करना प्रॉपर तरीके से इनमें से वो कौन सी अथॉरिटी होती है आपके आंसर इसमें मैक्सिमम लोगों के गलत होंगे मुझे पक्का है इसमें आंसर आप गलत करेंगे वो कौन सी आपकी अथॉरिटी होती है जो एक काम करती है हाँ <laughs> देखा मैंने क्या बोला था गलत यहां पे ध्यान रखिए उसने क्या बोला है मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता को बनाए रखना इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की अखंडता को बनाए रखना टेररिस्ट थ्रेट्स जो होते हैं उसको भी खत्म करना इनका काम होता है भाई वो ये नहीं है ये सारे आंसर गलत कर रहे हैं ये आपकी फाइनेंशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा कई लोग जो आई एम एफ आंसर दे रहे हैं भाई आई एम एफ क्या करती है सिर्फ और सिर्फ लोन प्रोवाइड करती है जो देश बी ओ पी क्राइसिस कंट्री से आता है वो उसको लोन प्रोवाइड करती है क्लियर एंड कृष्णा जॉर्जिवा इज द जो हमारी चीफ है यहाँ की और इसमें लिखा हो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये भी बैंक है भाई ये भी लोन प्रोवाइड करेगा और ये भी लोन प्रोवाइड करेगा क्लियर ध्यान रखना आपको और एडीबी uh, के हेड uh, एडीबी के जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है मासुसुगु आसाकावा क्लियर और ए आई बी के मेरे नाम दिमाग से निकल गया कि इनके चीफ का नाम क्या है और देख लेना एक ए आई बी के जो आ, चीफ हैं इनके हेडक्वार्टर वैसे तो कहाँ पे है ए आई बी के डैट इज इन द बीजिंग चाइना आई एम एफ के वॉशिंगटन के अंदर है ए डी बी के अंदर ए डी बी के काम पे फिलीपींस मनीला के पास क्लियर आंसर इसमें क्या बनेगा फाइनेंशियल फाइनेंशियल यस बिल्कुल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज द करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सी ऑप्शन बनेगा <coughs> चलिए जी आंसर बताइए आंसर बताइए फटाफट क्या बनेगा इसका हाँ ये बच्चे ने आंसर दिया है ए आई बी के जो प्रेसिडेंट हैं वो जिन लिक्विन है यस जिन लिक्विन एंड गाय राइडर किसके हैं गाय राइडर वो है आई के अभी रिसेंट बने थे वो <coughs> हां जी बताइए प्रीहिस्टोरिक पूर्व ऐतिहासिक का भारतीय स्थल में पाई जाने वाली होमो होमोरेक्टिस की जो मूरत है ये कहां पे देखने को मिली है बस जगह नाम याद करो कुछ ही याद करने की जरूरत नहीं है इसका नाम है हथनोरा हथनोरा के अंदर बस आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा हथनोरा ये है जी ये मिला है ठीक है दिस इज द स्कल हथनोरा के अंदर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस नहीं है जो बिलोंग नहीं करती इंडो इंडो आर्यन लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती बताइए जी इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है पंजाबी डोगरी ऐसेमीज है मुंडा नहीं है मुंडा इज अ मुंडा रिवोल्ट हुआ था कहाँ पे झारखंड वगैरह के अंदर तो वो झारखंड वगैरह तो आपके आएंगे नहीं क्योंकि आर्यन जो लोग आए थे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आके सेटल हुए थे ठीक है तो ये नहीं होंगे तो मुंडा वाज नॉट द लैंग्वेज ठीक है सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन बनेगा मुंडा इज द करेक्ट आंसर मुंडा आज के क्वेश्चन ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा टॉप हैं जो बच्चा बीच में बोल रहा है टॉप टू कुछ नहीं होते एक्चुअली आज के क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल है यहां पे क्या होता है कि जब ऐसा पेपर आता है ना तो हमें आंसर आते भी ना हो तब भी हमें निकालने पड़ते हैं दूसरी ऑप्शन को चूज कर करके ठीक है तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पेपर है मतलब आता है तो इसमें आपको पता होना चाहिए ठीक है आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा यस yes. चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है बताइए ये बुक क्या है जी ये बुक जो है आपका हम्म ये बुक जो है आपकी किसने लिखी हुई है बताइए नाम याद करेंगे बस एन चंद्रशेखरन इट्स ब्रिजल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल्स प्रॉब्लम बस आंसर इज डी ये याद करो जी ठीक है एन चंद्रशेखरन एंड रूपा इट्स कॉल्ड पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम ठीक है इन्होंने लिखी थी ये बुक चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए पहला इंडिजिनियसली फर्स्ट इंडिजीनियसली जो है आपका अटोमिक रिएक्टर जो था हमने खुद बनाया था वो कहाँ पे है तो ये कौन सा आपका जो है स्टेशन है न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये चेन्नई के अंदर है मद्रास डेट इज द कल्पक्कम कल्पक्कम जो है हमने खुद बनाया है ये आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा सी ऑप्शन क्लियर तारापुर हमारा पहला था फर्स्ट अटोमिक रिएक्टर था महाराष्ट्र के अंदर और वैसे ही अटोमिक रिएक्टर कहाँ पर लगा था शिकागो यूनिवर्सिटी में अंडर द प्रोफेसर फर्मी गाइडेंस तो इसलिए फर्मी को हम क्या बोलते हैं द फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर और फर्मी जो है एक यूनिट भी है और फर वन फर्मी इजिकल टू टेज टू माइनस फिफ्टीन मीटर ध्यान रखना आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन इंडिजिनस मतलब खुद बनाया हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये ठीक है तो यहाँ पे देखिए जी क्या कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉपर मिनरल ये पता होना चाहिए भाई ये पढ़ लो बस मैं आपको यही कहूंगा ये पढ़ लो ठीक है तो ये किसका भाई कॉपर मिनरल है देखिए बॉक्साइड तो आप बता देंगे एल्युमिनियम का हेमेटाइट भी आप बता देंगे आयरन का है इनमें से कौन सा है ये कौन सा है बिल्कुल ये आपको याद करना पड़ेगा एजू राइट आंसर इसमें क्या बनेगा ए ऑप्शन बनेगा कॉपर का अजू सी ऑप्शन बनेगा एजू समझ आ गया सी ऑप्शन ए ऑप्शन बनेगा अजूराइट ये है भाई आपके मेजर कॉपर मिनरल्स देख लो यहाँ पे है अजूराइट ये है ठीक है और ये देखो नेटिव कॉपर है हंड्रेड परसेंट कॉपर है प्यूपराइट है एट्टी एट परसेंट है चाल्कोराइट है कोवेलाइट है मेलाकाइट है मेलाकाइट हल्का सा ग्रीनिश होता है एंड उसके बाद क्राइसो है चालको पायराइट है तो दीज आर दॉपर कॉपर वराइटीज़ याद करो ये क्वेश्चन आपको याद ही करने पड़ेंगे नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है ऑर्डिनेंस की बात कर रहा है हम जो है ऑर्डिनेंस घोषित कर सकते हैं तो ऑर्डिनेंस के लिए इनमें से कौन सा आर्टिकल है ये पूछ रहा है प्रेसिडेंट और ऑर्डिनेंस इशू करते हैं ऑर्डिनेंस क्या होता है कि सीधा का सीधा कानून तो ये लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेजिडेंट की कानून बनाने वाली शक्ति होती है किसकी राष्ट्रपति की लेकिन ऑर्डिनेंस क्या होता है एग्जीक्यूटिव लॉ सीधा का सीधा कानून लग गया होता है ठीक है और ऑर्डिनेंस क्या होता है छः महीने के लिए लगता है ठीक है ये तब लगता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो राष्ट्रपति क्या है? करते हैं ऑर्डिनेंस इश्यू करके कानून बना सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद की मंजूरी से ये अंडर आर्टिकल थ्री आर्ट, वन ट्वेंटी थ्री के अंदर आता है राष्ट्रपति के लिए छः महीने के अंदर अंदर छः महीने की लगता है और छह महीने के बाद अगर लगे कि प्रॉपर कानून बनना चाहिए तो पार्लियामेंट के पास एक महीना चौदह दिन का टाइम होता है कि ये आपका एक महीना चौदह दिन ना कह के हम छः वीक कह सकते हैं छः हफ्ते का टाइम होता है कि आपके जो राष्ट्रपति हैं मतलब संसद है कानून बना सकती है तो आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा अगर आपसे गवर्नर का पूछता तो गवर्नर का है टू वन थ्री अगर गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करता है वो टू वन थ्री के अंदर आता है आर्टिकल पचहत्तर जो आता है आपका प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए आता है कि राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं चुने जाते हैं क्लियर हो गया आप लोगों को यस क्लियर और आर्टिकल वन सिक्सटी एट क्या बताता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट जान के राज्य जो होता है उसके अंदर गवर्नर राज्यपाल सी एम वगैरह और उनके जो हाउसेज होते हैं वो देखने को आपको मिलते हैं क्लियर सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर सी ऑप्शन चलिए जी क्वेश्चन है इनमें से कौन सी चीज जो है करेक्ट है हाई कोर्ट्स लिखी गई हैं कोर्ट्स जो है वो कहाँ कहाँ की जो करेक्ट हैं ये आपको बताना है ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है आपको निकाल सकते हो ये निकाल सकते हो हाई कोर्ट टोटल कितनी है भाई हमारी पच्चीस हाई कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट एक्ट आपका कितना था 1861 का जिसके अकॉर्डिंग कैलकटा बॉम्बे मद्रास ये तीन हाई कोर्ट्स बनाई गई थी 1862 में फिर एक प्रोविंशियल 1865 में बनाई गई थी क्लियर और 1865 में अलाहाबाद के अंदर अलाहाबाद के अंदर और अभी 25 हाई कोर्ट हैं हमारी टोटल तो इसमें से सीट पूछ रहा है करेक्ट कौन सी है ये वाली सीट करेक्ट है बस उत्तराखंड वाली उत्तराखंड नैनीताल आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा यस बहुत बढ़िया मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप आंसर देते हो ये वाले तो डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर चलिए जी हु हैज बिन अवॉर्डेड द युद्ध सेवा मेडल किस लड़की को युद्ध सेवा मेडल का अवार्ड मिला था ठीक है जिन्होंने पहली बार विटनेस किया था विंग कमांडर अभिनंदन अभिनंदन को जो है विटनेस किया था जब पाकिस्तानी एफ सिक्सटीन फाइटर एयरक्राफ्ट जो लेके आए थे सताईस फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक के अंदर क्लियर तो ये कौन थी ये लेडी कौन थी डैड वॉज मिन्टी अग्रवाल मिन्टी अग्रवाल इज द करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बनेगा ठीक है जी यस yes. सी ऑप्शन क्या बनेगा राइट right आंसर बनेगा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना ये है जी मिंटी मिंटी अग्रवाल जी क्लियर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो के जितनी भी नोटिफिकेशंस होती हैं हमारी वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती हैं मैं यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और सब चीज़ों के लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे और पर्सनली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरा नाम डॉक्टर विपिन गोयल सर्च करोगे तो आपको मैं मिल जाऊँगा ठीक है तो so, सारे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिए गए हैं प्लस मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं द वन इज अ जी कोर्स ये हमारा थियरी कोर्स है जाके कोर्स परचेज कीजिए और प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए कभी भी जब आप अपने ऊपर पैसा लगाते हो ना तो वो आपका वे, वेस्ट कभी भी नहीं जाता ठीक है और दस हज़ार एम का कोर्स जाइए अपने कोर्सेज़ को परचेज़ कीजिए प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए क्योंकि हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर तैयारी कर रहे हैं इन कोर्सेज़ के अंदर क्लियर ये कोर्सेज़ आप परचेज़ कहाँ से कर सकते हो स्टडी आई क्यू ऐप से स्टडी आई ऐप आपको डाउनलोड करनी है जैसे आप डाउनलोड करेंगे होम पेज के ऊपर आपको यहाँ पे नजर आएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स ये व्यू ऑल का बटन दबाना तीसरे चौथे नंबर पे आपको जीएस कोर्स दिखेगा और लास्ट में आपको ये वाला कोर्स नजर आएगा जीएस कोर्स के अंदर आपको एक कूपन कोड लगाना है वीआईपी 500 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है तो जाइए अपने कोर्सेज को परचेज कीजिए जो आप चाहते हैं ठीक है बहुत बढ़िया अगर अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना ठीक है एक मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगी मैं हमेशा एंड में बोलता हूँ और वो भी तब अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो नहीं लगा हो तो भाई लाइक करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये थे भाई आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो अभी मैं दो पाँच दस मिनट के लिए जो है यहाँ पर हूँ तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे से जुड़ सकते हैं मैं काफ़ी यहाँ पर मतलब बच्चों के साथ कनेक्ट रहता हूँ वहाँ पर सब सब चीज़ों के लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं सब चीज़ों के लिंक जो हैं वो कमेंट सेक्शन में है थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच अगर आपको क्लास अच्छी लगी है बस मेरा उद्देश्य ये है कि आप सिलेक्ट हो पढ़ो बस इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दो बाकी चीज़ों में ध्यान मत दो पढ़ने के ऊपर ध्यान देना चाहिए जरूरी है वो हाँ टेन थाउजेंड क्वेश्चन में हम बायो जो साइंस की क्लासेस हैं वो मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ एक दो दिन में क्योंकि मैंने बेस्ट फाइव हंड्रेड की क्लास उसमें डाली है एक क्लास रहती है उसमें वो डाल के देन उसके बाद हम अपना साइंस जोग्राफी सब चीज़ों के ऊपर चलेंगे सब चीज़ों के लिंक टेलीग्राम टेलीग्राम लिंक इंस्टाग्राम लिंक सारे कमेंट सेक्शन में लिखे होंगे जो कमेंट सेक्शन होता है ना उसमें एक मैसेज पिंड किया होता है हमारी तरफ से वो उस पर आप देख सकते हो उसमें आपको मिल जाएगा बस वहाँ से क्लिक कीजिए मेरे साथ सीधा जुड़ सकते हो आप करंट अफेयर जो बात कर रहे हो कि सुबह वाले संडे था यार आज मैंने आपको बताया हुआ कि संडे को इतने करंट अफेयर्स होते नहीं है तो मंडे को भी क्लास देनी होती है आपको ठीक है फिर उसके लिए करंट अफेयर नहीं बचते तो मैं ऐसे करूंगा आज या कल सुबह दो वीडियोस बना दूंगा आपको ताकि आपको दोनों करंट अफेयर्स मिल जाए ठीक है हो सकता है मैं आज ही डाल दू हो सकता है मैं आज ही डाल दू ठीक है गाइस तो अभी मैं चलता हूं आई होप uh, जो यू पी पी सी एस का एग्जाम है उसमें बहुत बच्चे uh, जो है खुश होंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट मिलने वाले हैं आपके सामने मैं शेयर करूंगा स्क्रीन शॉट क्लियर क्योंकि पढ़ाया हुआ हर क्वेश्चन आएगा लेकिन आपका पढ़ा होना चाहिए वो ज़रूरी है आपकी रिविज़न ज़रूरी है बस ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है गाइज तो मैं चलता हूँ गुड लक गाइज़ टेक केयर बाय थैंक यू सो मच कल सुबह मिलेंगे नौ बजे गुड लक